अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, वेलकम टू द टॉक टॉक शो। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोग हमारे शोज़ को इतना ज़्यादा प्यार भेज रहे हैं, अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज, स्टार्स, सुपरस्टार्स के इंटरव्यूज़ को इतना इन्जॉय कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही अपना प्यार हमें भेजते रहिएगा और हम यूँ ही आपकी मुलाकात आपके सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ कराते रहेंगे। आज भी जो हमारे गेस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं यार। यूं तो उनकी उम्र कोई 21-22 साल है, लेकिन करोड़ों रुपए माशाल्लाह ऑलरेडी कमा चुके हैं। जो काम वो कर रहे हैं उसकी वजह से उनको अक्सर तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है, लेकिन जैसे घोड़ा होता है ना, ब्लाइंडर्स लगे हुए होते हैं और वो अपनी मंजिल की तरफ डगड़ डगड़ भाग ही जाता है, इसी तरह ये हमारा भाई भी अपनी मंजिल की तरफ फुल जोशो खरोश के साथ रवा दवा है। आज उनसे पूछेंगे कि उनकी मंजिल आखिर है क्या। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा इनकरेजमेंट के साथ और ज्यादा जोश के साथ इसको, इस बच्चे को, मैं तो बच्चे 21-22 साल का लड़का यार बच्चा ही होता है ना, लेकिन आज वो अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ उनकी वाइफ भी आई हैं। किसी भी पॉइंट से ये छोटी बात नहीं है कि इनके यूट्यूब के ऊपर इस वक्त 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, और जब मुझे पता चला कि इनके 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, तो फिर मुझे ये पता चला कि इनके 1 बिलियन व्यूज अभी महीने पहले हुए हैं, और उसके बाद पिछले एक महीने में इनके 146 मिलियन व्यूज और आ गए हैं। कमाल की बात है यार। तो मैं चाहूंगा कि आज आप और ज्यादा जोश के साथ और ज्यादा प्यार के साथ वेलकम करें, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर सबान मा सफदर। वेलकम वेलकम, हाउ आर यू? हाउ आर यू? प्लीज हैव अ सीट यार। माज, इट्स इनक्रेडिबल, माशाल्लाह, यू वर 23, 23 के हुए हैं आप अभी पिछले महीने? बिल्कुल, 2 महीने पहले जी, मैं में। यस सबा, आप कैसे देखती हैं आपके हस्बैंड, माशाल्लाह बिलियंस ऑफ व्यूज हैं इनके, 100 मिलियन मुझे पता चला कि इनके ऐसे ही आ जाते हैं एक महीने में, अगर एक्टिव हूँ डेली, अगर व्लॉग्स डालूं तो। हो तो नहीं आप ऑलरेडी? नहीं हो एक्टिव? एक्टिव अभी थोड़ा कम होता हूँ। क्यों? और भी काम शुरू किए हुए। हाँ, बिजनेस उन पे आते हैं, एक सेकंड उन पे, पहले मैं सबा से पूछूं। सबा, आप कैसा महसूस करती हैं आपके मियां के मिलियंस में व्यूज आते हैं? आपने सुना होगा घर की मुर्गी दाल बराबर। मुर्गी कौन है आप? बैड जोक। अच्छा, हाँ, तो आप इनको, आपको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं? नहीं, मुझे प्राउड फील होता है, खुशी होती है देख के। आप दोनों के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात पता चली वो ये चली कि सबा आपकी लाइफ में आपके इस सारी सक्सेस से पहले से आपकी लाइफ राइट, ये बात सही है? सच एकदम। तो बंदा ये अगर ये बोले कि यार हो सकता है ये, क्योंकि सबा के साथ शादी के बाद माशाल्लाह आपका और ज्यादा पीक हुआ है, तो ये सब सबा आपने नसीब कर लिया? बिल्कुल, ये सच है बात? सच। सबा क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? शादी के बारे में मां से पूछ सकते हैं आप, इनके जवाब भी मैं दे सकता हूँ। आपको क्या लगता है, ये बात सच है? ये बात सच है, हकीकत है, क्योंकि शादी के बाद तो नसीब खुलते हैं आपके, और जो लड़की का नसीब होता है वो भी आपके साथ मिलता है। हाँ। तो फिर वो दोनों बूम करते हैं फिर एक साथ, तो यही सेम सिचुएशन हमारे साथ भी हुई। पहले थे अच्छा जा रहा था, बट जब शादी हुई देन उसके बाद फिर और अच्छा हो गया, फिर बेबी आया फिर उसके बाद और अच्छा हो गया, तो नसीब से नसीब जुड़ते गए माशाल्लाह। बट माज, मुझे आप ये बताओ, आप जो मुझे पता है, इनकरेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने शुरू किया था डब स्मैच से, फिर जब म्यूजिकली था आप उस पे गए, फिर आप टिकटॉक बनाते थे, और टिकटॉक आप, अब आपका ये हाल है कि आपने टिकटॉक अपना डीएक्टिवेट कर दिया है। हाँ, डिलीट बंद ही कर दिया आपने, डिलीट कर दिया, आपने कहा कि मैं टिकटॉक इस्तेमाल ही नहीं करना। नहीं किया 2 साल से, तो नहीं किया। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यही थी कि मैं अपने आप में कुछ चेंज देखना चाहता था, अगर मैं वो डिलीट नहीं करता तो मेरे शायद यूट्यूब पर मैं इस तरह नहीं आगे ग्रो कर पाता, तो मैंने वो इसलिए डिलीट किया था ताकि मैं यूट्यूब पे ग्रो कर पाऊँ, यूट्यूब की ऑडियंस बनाऊँ, क्योंकि डिफरेंट ऑडियंस है, ठीक है, फेसबुक की अलग ऑडियंस है, यूट्यूब की अलग ऑडियंस है, टिकटॉक की अलग ऑडियंस है, तो मैंने टिकटॉक डिलीट किया ताकि मैं फेसबुक को यूट्यूब की ऑडियंस बनाऊँ, और यूट्यूब की ऑडियंस इन अल्हम्दुलिल्लाह बन गई, बहुत अच्छे से बन गई, उसके लिए डिलीट किया था जस्ट। तो आपने ये क्यों ना समझा कि मैं दोनों प्लेटफॉर्म्स को साथ लेके चलूँ? नहीं, अभी मेरा इरादा है कि मैं टिकटॉक इंस्टॉल करूँ दोबारा, और मैं उस पर एक्टिव हूँ, लेकिन डांस वीडियो के साथ नहीं, म्यूजिक वीडियो के साथ नहीं, एक बिजनेस को लेके एक्सपेक्टिव हो, क्योंकि टिकटॉक जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो।
सबा, आपकी जो पहली मुलाकात थी माज के साथ, वो क्या टिकटॉक डब्स यहीं पे हुई, कहीं ऑनलाइन हुई, या आप लोग असल में मतलब रियल लाइफ में मिले? नहीं, हमारी इंस्टा पे बात हुई थी। अच्छा जी, आपने डीएम किया इन्हें या इन्होंने आपको? असल में पसंद किया ही था, ही टिकटॉक देखे मुझे टिकटॉक से पसंद किया था। अच्छा, तो आप टिकटॉक डिलीट ही कर दिया उसी के बाद? आपने कहा और कोई ना पसंद कर ले बस, तीन और की है गुंजाइश अभी तो आपकी? दिल नहीं करता, 23 साल है। दिल नहीं करता। नहीं करता? नहीं करता। 23 में ही नहीं दिल कर रहा? दिल नहीं करता यार, लॉयल रहना चाहता हूँ मैं अपनी लाइफ में। कितनी अच्छी बात है। अगर किसी दिन ये आपको बोलेंगे किसी और का डीएम आ गया तो आपका क्या रिएक्शन होगा? वैसे डीएम तक तो सही है, उससे ज्यादा कुछ ना हो। नहीं, कभी किसी से बात भी कर लेता तो ये मुझे कुछ बोलती नहीं, इसको ये भी मेरे साथ लॉयल है, इसको यकीन है मुझे वैसे। अब अच्छा, आपने इनकी कौन सी टिकटॉक देखी थी जो आपको आपको हुआ कि यार आई शुड रीच आउट टू हिम? वैसे तो मुझे याद नहीं है, पर वो जरा 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 सॉन्ग है ना, हाँ उस पर देखी। वो कह रहे मैं तो आज तक जिंदगी में ना गाने लगाए टिकटॉक पे। नहीं, पहले थे। अच्छा, तब लगाते थे? तब तो लगा था। आप नहीं लगाना चाह रहे? पहले कौन सा था? जरा 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 महकता है बहकता है। अच्छा, वो वाला गाना वो वाला हिट हुआ था। हाँ, उस पर टिकटॉक बनाई थी मैंने। ठीक है, तो उस पर बनाई थी तो इन्होंने बोला कि भाई मैं आपको, आपने क्या भेजा है? वो तो डीएम होगा ना अभी तक, चैट डिलीट तो नहीं? चैट डिलीट हो गई है। नहीं, मेरी तो इतनी आइडिया चली गई उसके बाद, तो वो चली गई। अच्छा, तो जब इन्होंने मैसेज किया, आई एम श्योर कि आप यंग हो, माशाल्लाह गुड लुकिंग हो, अच्छा कंटेंट बना रहे थे, और भी लड़कियां आपको मैसेज करती होंगी उस वक्त, तो आपने सबा के ही मैसेज को क्यों जवाब देना पसंद? अब ये मैं चीज को देखें, उस टाइम पे जब इनका मैसेज आया होगा ना, जब भी मैं शायद और लड़कियों से बात करता था, और वो एज ऐसी होती है कि आप बात करते हो, ठीक है, और यही रहता है कि उसमें कि इस रिलेशन कर लूँ, उस रिलेशन कर लूँ, इस रिलेशन कर लूँ, उस एज में वो एज जो वो ग्रुप है ना, वो मैटर करता है कि वो किस एज में आप किससे बात कर रहे हो। तो अब ये इनका मैसेज आया, अब सच बता रहा हूँ आपको कि मुझे नहीं पता था कि मेरा इनके साथ ऐसी रिलेशन हो जाएगा, ऐसी बॉन्डिंग हो जाएगी कि मैं सबको छोड़ दूंगा, और ऐसा ही हुआ। इन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने इनको डायरेक्ट नंबर दिया। डायरेक्ट नंबर दिया मेरे दूसरे मैसेज नंबर खाली। हाँ, ऐसा क्या मैसेज? सिर्फ हाय लिखा था। सिर्फ हाय लिखा था और मैंने नंबर दिया क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया था कि तुम्हारे पीछे है। मैंने ना इनके दोस्त से कांटेक्ट किया था कि मुझे आपका दोस्त अच्छा लगता है तो मुझे उससे बात करनी है, तो उन्होंने इनको बताया, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मैसेज करो। मैंने कहा मैंने आज तक अभी किसी लड़की को खुद से मैसेज नहीं किया, तो उन्होंने कहा कर लो, तो फिर मैंने हाय लिखा, उन्होंने नंबर भेज दिया। बड़े फास्ट हो भाई ये, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, हाय पे मैसेज भेज दिया। यही नसीब थे, इन्होंने हाय लिखा और मैंने डायरेक्ट इनको नंबर दे दिया, हमारी हाय निकल गई हाय पे। तो नसीब जुड़ने थे साथ, तो इसलिए मुझे लगता है कि यही हुआ। तो आपने कैसा पाया माज को फिर जब आपकी एक बात होना शुरू हुई? उस वक्त तो ऑब्वियसली इतनी फेम नहीं थी, टिकटॉक पे भी माशाल्लाह काफी वैसे फेम थी, काफी नहीं थी, मेरे ख्याल से लाख वो लाख पता कह रहा है, लाख एक फॉलोअर्स थे और लाख एक व्यूज आ जाते थे टिकटॉक। टिकटॉक पे लाख कुछ भी नहीं है, टिकटॉक पे लाख तो कुछ भी नहीं है, टिकटॉक पे लाख कुछ भी नहीं है यार। आप YouTube के लाख बहुत बिलियन हो गए आप? नहीं, YouTube के लाख और टिकटॉक के लाख में बहुत फर्क है। यस, तो ये बात है कि वो टिकटॉक के लाख थे तो वो कोई मेरे लिए मैटर अब नहीं करते, पहले बहुत करते होंगे, बट इनको जब पसंद आ गया हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने कैसा पाया माज को? मैंने माज को बहुत बिगड़ा हुआ पाया था। बिगड़ा हुआ? हाँ, उस टाइम बहुत बिगड़े हुए थे, मैंने बहुत चेंज किया है, ये पूछ सकते हैं आप माज से। क्यों? अच्छा, पहले आप बताएं बिगड़े हुए कैसे थे और फिर हम माज से पूछेंगे आपने कैसे चेंज किया माज। मतलब बहुत दोस्तियाँ, मतलब बाहर रहना, लड़कियों से बात करना। अच्छा? बहुत सारी मतलब इन चीज़ों में, रिलेशन में रहने के बाद भी डीएम से बात करना, इन चीज़ों में मैंने बहुत चेंज किया है माज। अब आपने कभी पकड़ा इनको किसी? नहीं, अब नहीं, अब नहीं करते, अब दिल ही भर गया उनका जी। कैसे आपको सबा ने चेंज किया? सबा ने ये चेंज किया कि ये मेरे साथ, मैं अगर कुछ गलत करता भी था ना तो ये मुझे एंड में समझाती ही थी कि ऐसा नहीं करो, ठीक है, मतलब इसने मुझे निभाया है, इसने पूरा जितना रिलेशन था ना ये इसने निभाया है, तो मैं और खुद ब खुद चेंज किया मैंने अपने आप को, कि मैंने बोला नहीं यार ये मेरे लिए कर रही है, नहीं यार ये मेरे लिए कर रही है, फिर मैं कुछ गलत करता, फिर मुझे कुछ समझाती तो मुझे रियलाइज़ हुआ। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ख़त्म ही हो गई। अगर ये मुझसे उस वक्त लड़ जाती है इस चीज़ पर कि नहीं भाई तुम तो गलत कर रहे हो, मैं जा रही हूँ, ख़त्म, फिनिश। अच्छा, मुझे एक बात बताएं हमारी, हालांकि ये जो आपने किया बहुत अच्छी बात है कि यंग उम्र में आपने शादी कर ली। कितनी आप 21-22 साल के थे? मैं 22 का था ना। हाँ, मैं 20 की थी। आप 20 की थी, आप 22 के थे, आपने शादी कर ली, बहुत अच्छी बात है। यस, शादी जल्दी कर लेनी चाहिए।
लेकिन ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ अब सोसाइटी में एक ये बात भी आ गई है कि यार अभी तो बहुत बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी तो कुछ अकम्पलिश ही नहीं किया, एज इफ के शादी जो है एक रोड ब्लॉक होती है कि अगर आपने शादी कर ली तो फिर आप जो अपनी जिंदगी के गोल्स हैं अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों ने कुछ चैलेंजेस फेस किए जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि जी हमने शादी करनी है? सब आप बताएं पहले। नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं जाती भी थी माँ से मिलने तो बहुत ज़्यादा डांट सुननी पड़ती थी। और फिर ये कि नहीं, इतनी छोटी उम्र में क्या करोगे शादी, लड़का कमा नहीं रहा, ये नहीं कर रहा। देखना, हमारी फैमिली ज़्यादातर यही देखती है कि लड़का काम क्या कर रहा है शादी करने से पहले। तो हम लोगों ने ज़्यादा अपनी फैमिली को यही समझाया कि अगर नसीब में होगा तो आगे जाके खुद चीज़ें हो जाएंगी, और अगर नसीब में नहीं होगा तो चीज़ें हमारे पास होंगी भी तो वो ख़त्म हो जाती हैं आपका नसीब नहीं हो तो। बस फिर यही चीज़ें समझा के, फैमिली की बातें सुन के, डांट सुन के बस हो गई हमारी शादी। कितना बड़ा चैलेंज था सभा के साथ शादी करना? या ऐसा चैलेंज था कि एक तो लड़के की तरफ से होनी चाहिए चीज़ कि शादी कब करनी है और किस टाइम पे करनी है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि लड़के को थोड़ा सा इस्टेब्लिश होना चाहिए, ठीक है। वो अपने पाँव पे खड़ा होगा तो वो शादी करे, बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी की लड़की घर ले आओगे और आप कुछ ना करते होगे तो बेचारी लड़की की ज़िंदगी ख़राब भी कर रहे हो, अपनी भी ख़राब कर रहे हो, सही है, ठीक है। ये नहीं कि रिलेशन हो गया तो शादी भी कर लो, हाँ। नहीं, तो मेरा यही सोच थी कि मैं जल्दी से जल्दी कुछ कर लूँ। शादी के चक्कर में मैंने फिर जल्दी भी काम किया, हाँ। अपने पोटेंशियल लाया कि मैं काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा तो मैं घर में बोल सकता हूँ कि अब मैं शादी करूँगा। तो फिर मैंने काम किया, पैसा बनाया, तो फिर मैंने पापा को बताया तो पापा ने फिर यस किया। तो आप लोग जब अपने पेरेंट्स से ये बात कर रहे थे कि हमें शादी करनी है, तो वो जो टाइम था एक पेरेंट्स को कन्विंस करने का, वो कितना लंबा टाइम था? मैं कन्विंस इस तरह किया है कि आप समझ लें कि मैंने पापा को बोला है। एक पहली तो काफ़ी एक हिडन सीक्रेट बताते हैं आपको, बताया ही नहीं। हाँ, वो ये था कि घर में हो गई थी मेरी लड़ाई ना, और व्लॉग में नहीं लिया था मैंने, क्योंकि ये चीज़ें व्लॉग में लेने की नहीं थी। तो मैंने पापा को जब बोला शादी करने वाले, बोला अभी तुम बहुत छोटे हो। पापा हो गए मुझसे नाराज़ कि मैंने शादी है कैसे बोल दिया। मैं अपनी तरफ से पक्का था कि भाई मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। अपने बिलीव करता है इंसान, अपने बिलीव करेगा तो सब काम कर सकता है। मैंने बिलीव कर लिया, पापा बोल दिया, पापा हो गए मुझसे नाराज़। उन्होंने मुझसे पूरे एक हफ्ते बात नहीं की। अच्छा, बिल्कुल बात नहीं की कि इतनी सी एज में तुम ऐसा बोल रहे हो कि शादी करोगे ये वो। तो फिर एक हफ्ते उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कुछ सोचा समझा, फिर मैंने समझाया, अकेले बैठ के हमने पापा से बात की, और इनको भी ये बात नहीं पता था, मतलब पापा और मेरा ही मैटर चल रहा था ये। तो फिर मैंने पापा को सब कुछ बताया समझाया कि मैं आगे कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देन उसके बाद फिर एक हफ्ते के अंदर पापा ने एग्री किया, और 10 दिन बाद, हाँ 10 दिन के अंदर, 10 दिन में शादी कर ली हम। 10 दिन की स्ट्रगल, ओ। और आपको कितना टाइम लगा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए? नहीं, हमारा इस तरह का था कि साथ साथ आप दोनों ने बताया। हाँ, हाँ। पर मैं जब जाती थी ना व्लॉग्स वगैरह बनाने मास्क के साथ या कहीं बाहर जाती थी, तो मेरी फैमिली का यही था कि नहीं बस मास्क को बोलो कि अगर करनी है तो रिश्ता लेकर आए, वरना तुम नहीं जाओ अच्छा नहीं लगता। आपको पता है फैमिलीज का कि नहीं लड़की बाहर जा रही है, फिर खानदान वाले भी बातें करते हैं कि भाई क्यों लड़के से मिल रही है, अनोन है, ये है वो। तो बस इसी उसमें बहुत मुश्किल। तो ये दोनों में से पहले बात शादी की किसने? तो मैंने। अच्छा, आपने बातें? मैं करूंगा तो फिर इनके घर तक जाऊंगा ना। हाँ, अगर मैं नहीं करूंगा। नहीं, उन्होंने नहीं बोला कि यार चलो अब बस बहुत हो गया, इधर भी ब्रेकअप और भी गेट मैरिज। हम दोनों के बीच की किसकी पहले? हाँ, आपस में। यस, तो पहले इन्होंने ही सोच किया था। आपने बोला कि शादी करो भाई? जी, क्योंकि पता आप लड़की बोलती है कि भाई अब शादी करनी है, मतलब टाइम ज्यादा हो गया था यार, 4-5 साल तो हो गए थे हमें। यस, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन जब सवाल ने बोला? तो मैंने बोला मैं बात करता हूँ, हैं डायरेक्ट बात करता हूँ, क्या कहने के नहीं, अभी मैं छोटा हूँ, क्या गिव इट सम मोर टाइम। नहीं नहीं नहीं, और टाइम तो नहीं चाहिए था मुझे। मैं चाहता था कि मैं जल्दी शादी करूँ, अपना करियर जल्दी स्टार्ट करूँ, और सेम सिचुएशन जो है ना वो अलग अलग क्रिएट कर रहा था ऊपर से। तो फिर वो सेम चलते रहा, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी यहाँ पर है। माशाल्लाह यार, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इनकरेजिंग बात है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों थोड़ा सा जो यंग कपल्स हैं, यस, आप खुद भी बहुत यंग हो, बट जो दूसरे यंग कपल्स हैं उनको इंस्पायर करने के लिए आप कुछ मशवरा दो कि अगर वो किसी रिलेशनशिप में हैं और शादी करना चाहते हैं तो क्या वो शादी करें या वो थोड़ा टाइम वेट करें जब तक वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लाइव्स में सेटल डाउन नहीं हो जाते। या आम तौर पे सेटल डाउन करने का मतलब है यार कि जॉब ढूंढ ली या फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, क्या ये बहुत बड़ी चीज़ है या शादी होने के बावजूद भी आप लोग अपने गोल्स को मीट कर सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इसमें मेरी तो दो बातें हैं कि एक ये बात है कि अगर आप रिलेशन में हो, वैसे आपको सच बताऊँ रिलेशन में मैं था, लेकिन अब मैं रिलेशन को बुरा बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिलेशन आप कह रहे हो कि शादी से पहले अगर
रिलेशनशिप है आपका? हाँ, वो गलत है, मतलब ज़्यादा बैठ रहे हो उठ रहे हो, क्योंकि आप सारी बात जब कर लेते हो बाद में शादी के बाद कोई बात ही नहीं बचती आपके पास, राइट? बहुत नहीं, लेकिन अगर मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर आप 20-22 साल की उम्र में शादी कर लो तो बाकी के 60 साल आप क्या बात करोगे? हाँ, मैं ही कहता हूँ, क्योंकि वो देखिए एक रिलेशन में जब आपकी जो फीलिंग्स होती है ना वो शादी के बाद थोड़ी ख़त्म सी हो जाती है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब हम लोग बातचीत तो करते हैं लाइक पर्सनल, जो अब रिलेशनशिप मिलती है रिलेशन में, आप जब बाहर मिलने जाते हो, आप मॉल में, इवन हम लोग मॉल में मिलते थे हर हफ्ते हम मिलने जाते थे एक दूसरे से, ये अपने चिंची में आ रही थी, मैं बाइक पर आ जाता था, ठीक है, 5,000 भी नहीं होते थे उस टाइम, तो ये बात मैंने एक दूसरी जगह पहले ही बताई है। तो रिलेशन ना आपको पहले सारी बातें करवा देता है, फिर बाद में आपके लिए कुछ भी नहीं बचाता। सब आपका क्या पर्सपेक्टिव है? नहीं, वैसे आजकल के जो माहौल है ना रिलेशन का, वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। अब तो आजकल बहुत खराब हो गया, लिटरली। क्यों? मेन पॉइंट यही है, क्योंकि आजकल छूट बहुत हो गई है। मैं कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया जब से आया ना, ये मोबाइल जब से आया, इसकी वजह से बहुत खराब हो गया। आप खुद दोनों खुद सोशल मीडिया पे मिले हो यार। नहीं, जैसे हम भी, इवन हम भी छुप के, मतलब पापा से डरते थे, मम्मा से डरते थे, अब वो चीजें खत्म ही हो गई। पर फैमिली, अब मैंने देखा है कि लोग फैमिली के सामने बात कर रहे होते हैं और फैमिली को पता होता है यार ये इसकी ये से बात कर रहा, इसकी गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है। और पहले ना जैसे फैमिली का सोशल मीडिया का इतना नहीं था कि सोशल मीडिया पे बच्चे होंगे तो इस तरह, अब तो सबको पता है तो फैमिली इतना ध्यान भी नहीं देती बच्चों पर, तो पहले बहुत सख्ती थी, तो इस वजह से अब माहौल बहुत चेंज हो गया। इसमें एक चीज़ है कि मैं लड़कों को ये बोलूँगा, अब ये लड़कियों को क्या बोलती मुझे नहीं पता, मैं लड़कों को ये बोलूँगा कि भाई रिलेशन ना करो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप को आगे लेके जाओ, देन उसके बाद जो मर्जी करना करो, पैसा है तो रिलेशन भी करो, शादी भी करो, जो मर्जी करो, लेकिन पहले पाँव पर खड़े हो, अपनी फैमिली को लेकर खड़ा हो, फिर उसके बाद शादी, अपना करियर बनाओ, पहले अपना भी बनाओ, अपनी फैमिली को भी लेकर खड़े हो ना। अब आप लड़की के पीछे अपने फैमिली वाले को भी तंग कर रहे हो और खुद भी तंग हो रहे हो, आप क्या कहेंगी? सब मैं बोलूंगी लड़कों पे ट्रस्ट करो पर आंखें बंद करके ना करो। बहुत अच्छी एडवाइस है, क्योंकि आपको पता है आंखें बंद करके करा था ना और यहाँ पर आज उस आंखें बंद करने में आंखों में सांसू भी बहुत आते हैं, इसलिए आंखें खोल के देखो कि क्या कर रहा है लड़का। यार ये कितने, ये तो ड्रामे का डायलॉग है यार, अगर आंखें बंद करोगे तो आंखों में आंसू भी बहुत आएंगे, इसलिए आंखें खोल के ट्रस्ट करो। अच्छी बात कर दी। अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसा आता है कि टाइम मशीन आती है और आप वापस टाइम में जाते हो और आप उस मोड़ पे खड़े हो जहाँ पे आप लोग इसी जिस एज में आपकी शादी हुई है, आपके पास डिसीजन है कि आप शादी कर सकते हो या आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, आप लोग क्या करोगे? नहीं, मैं तो शादी करूँगा। अभी इतना लंबा मशवरा दे गया, शादी करोगे? शादी कर लूँगा डायरेक्ट, खत्म। मतलब टाइम मशीन में जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 जब जिस 20 साल में शादी हुई है ना, मेरे 22 में हुई है, 22 में हुई है ना, तो वापस 21.5 साल पे पहुँच गयो, वापस रिलेशनशिप में आ गयो, एंड नाउ Having experience, शादी at 22. नहीं, मैं रिलेशन खत्म कर दूंगा। हाँ, मैं रिलेशन खत्म कर दूंगा। शादी नहीं करूँगा? मैं शादी नहीं करूँगा। शादी भी नहीं करूँगा? नहीं, फिर नहीं करूँगा। मैं पहले अपने आप को पूरा बूस्ट करके अपने आप को बनाऊँगा और जब मुझे लगेगा कि बस अब मैं बन गया हूँ, अब मैंने कोई काम नहीं करना, फिर शादी करूँगा। आप क्या करेंगे? मैं बस फोकस करूँगी पढ़ाई पर। आप भी शादी नहीं करेंगी? नहीं, जल्दी कर लिए। यार एक बात बताएं, आप लोग की शादी जल्दी शादी को रिग्रेट तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, नहीं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। लेकिन मैं लड़कों को रिलेशन नहीं करूंगा, मैं आपको बोलूंगा शादी कर लूंगा मैं जल्दी। मतलब अभी तो कह रहे हो नहीं करोगे 22 में, ये कंफ्यूज है थोड़ा ना। देखिए आप 21 पे लेकर आए, अब आपने बोला 21 के ऊपर तुम्हारा रिलेशन था। मैं कह रहा हूँ कि सेम जो तुम लोगों की सिचुएशन थी उसमें हम एक दूसरे को नहीं जानते। नहीं जानते हो? सेम सिचुएशन में चले 21.5 रिलेशन में है। हाँ हो, अब क्या करोगे? फिर वेट करेंगे। वेट करो, मैं रिलेशन खत्म कर दूंगा। नहीं, वो समझ गई सवाल, मैं रिलेशन खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं रिलेशन को अब मैं एग्री नहीं करता। ये आज दोनों जब घर जाएंगे इनका कंफर्म फटा होगा और आपके व्लॉग में फटा नहीं होगा, लिटरली फटा नहीं होगा। हम लोग जिसको अंडरस्टैंड करते हैं अब, ठीक है, अब बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ बातें मैं इसको बताता हूँ, कुछ बातें मुझे ये बता रही होती है ना हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह जब से शादी हुई हमारी लेकिन ये डिबेट होती है हमारी ना। पहले हम लोग बहुत छोटे थे और दिमाग से भी कुछ ज्यादा ही छोटे थे, तो हमारी डिबेट्स नहीं होती थी, बस प्यार की बातें हो रही हैं। अब डिबेट्स होती है हमारी। किस तरह की चीज़ों पे डिबेट? डिबेट ये होती है कि अपनी लाइफ डिबेट होती है, आर्गुमेंट होता है, नहीं डिबेट होती है, डिबेट से क्या इसको भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा, और डिबेट राइट है करो। तो मैं इस कुछ बातें इसको बताता हूँ, कुछ बातें मुझे बताती है, और किसके लिए बेहतरी के लिए कि हम आगे क्या करेंगे, आगे कैसे अच्छा होगा। चलो सब आप ये बातें शुरू मानना शुरू करो, अच्छा होगा, मैं आपकी ये बातें मानता हूँ अच्छा होगा, तो इस तरह की डिबेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं 21 में हूँ और मुझे अपना करियर बनाना है तो मैं फिर रिलेशन नहीं करूँगा। अब मुझे समझ में आया करियर, पहले मुझे अगर मैं उसी एज में हूँ और मुझे ना समझ हो ये वाली, तो मैं फिर शादी कर लूँगा, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि आप भी जैसे कह रही हो कि अब अगर आप वापस जाओ तो आप यू विल गिव इट सम मोर टाइम,
थोड़ा सा आप लोग वेट करोगे, दो तीन साल और वेट करके करोगे, ये भी ठीक है, क्योंकि जिस तरह के अब पाकिस्तान के हालात हैं और ये, तो ये कि पहले आप अपना फ्यूचर बनाएं फिर आप शादी करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और क्योंकि सारा मसला ये है ना, हम शादी की बात पे इसलिए वो करें क्योंकि शादी के बाद ना बहुत चीज़ें, टाइम वाइफ को भी देना पड़ता है, फिर वाइफ को हस्बैंड को देना पड़ता है, तो इस वजह से ना काम ज़्यादा नहीं हो पाता। आप देख रहे हैं कि छोटे, मतलब फैमिली को टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। आजकल आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे लोगों ने शादियाँ की हुई हैं छोटी छोटी एज में, फिर उसके बाद उनकी डाइवोर्स भी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ बहुत बहुत बुरी है। तो आप लोग अक्सर, जैसे मैं बड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ इस चीज़ में कि आपने बहुत छोटी उम्र में शादी कर ली, तो ये अक्सर लोग आपसे बात करते हैं, इस बारे में डिस्कशन होती है, लोग सरप्राइज होते हैं थोड़ा सा यार कि कैसे आप लोगों ने शादी कर ली, या ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखें मैं आपको बताता हूँ, फटान है, फटान लोग जो होते हैं ना वो 20 साल की एज में, 18 साल की एज में कर रहे हो शादी, और वो बोलते हैं कि कर लो नसीब, फिर अल्लाह तुम्हें बना देगा, तुम खुद ही काम करोगे। जब तुम्हारे भी बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे कल्चर, वो बोलते हैं जब तुम्हारे बीवी पढ़ती है ना तो तुम उसके लिए काम करना शुरू करोगे, तो बस कुछ ये सोच करते हैं और कुछ दूसरी सोच रखते हैं कि पहले मैं कभी शादी करूं। बेस्ट हो गया ख्वातीनों, रात इतनी मज़े की कॉन्वर्सेशन चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो सवाल क्यू कार्ड्स कुछ भी नहीं, इतने दोनों शख्सियात इतने मज़े की हैं और इतना अच्छा उनके साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। आई एम श्योर आप लोग जो घर पर बैठे हैं, स्पेशली जो यंगर लॉट है हमारी, उनको भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल रही होगी। यार मुझे एक बात बताएं आप दोनों के, इतने ज़्यादा जब आप पब्लिक आई में होते हैं और आपसे ये सवाल पहले भी हो चुका है कि आपको नज़र से नहीं डर लगता भाई कि नज़र भी लग जाती है, तो आपने बड़ा अच्छा मुझे लगा आप जो जवाब दिया आपने, कहा यार कि मैं सोचता नहीं इस बारे में, सोचता नहीं इस बारे में, क्योंकि लोग इतने सारे काम करें दुनिया में, दुनिया तो में? फिर काम ही ना बंदा कोई करे ये सोच के नज़र लग जाए। यस राइट, ऐसा ही है, मैं तो, लेकिन आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मैं सोचती हूँ, मैं बोलती भी मास्क के मास्क नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगा, जितना मैं बचता हूँ इस चीज़ से उतना ये मुझे बताती है बार बार कि मास्क नज़र लग जाएगी। तो लगती है नज़र या नहीं लगती? फिर लग जाती है ना, जब आपको कोई बताएगा बार बार ये बात, देखिए एक चीज आपके दिमाग में कोई डालेगा तो ऑब्वियसली बात है कि दिमाग वैसे में नजर भर के लगती है, वो तो है, राइट, बिल्कुल है, सोचो नहीं सोचो फिर भी लगती है या, लेकिन और बच्चों को जल्दी लगती है। यार इनके कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे इस चीज को लेकर, ये देखे लगती है नजर, आई नो, बट क्या सीन है, आप उसको ध्यान नहीं दो, अपने वर्क पे ध्यान दो, आप वर्क पे ध्यान दोगे तो वर्क करोगे, नजर पे ध्यान दोगे तो नजर पे ध्यान दोगे, वर्क पे ध्यान। वो कह रहे हैं कि यार आप नजर को अट्रैक्ट करते हो फिर। बिल्कुल, अगर आप ये सोचोगे ना मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ तो इससे मुझे नजर लग जाएगी, तो फिर लगेगी। आप मैनिफेस्ट ये करो यार कि मेरा जो मेरी नियत है वो मैं काम अच्छा करना चाहता हूँ, मेरा फोकस ये है कि मैं काम करूँ, अपना नाम बनाऊँ, राइट, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, मुझे नजर नहीं लगेगी, करेगा अल्लाह खैर, क्योंकि जो आप सोचते हो आप करते हो, बिलीफ आपकी होनी चाहिए, जो आप सोचते हो आप करते हो। लेकिन मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है, मुझे लगता है कि नजर जो है ना बड़ी एक स्ट्रॉन्ग चीज है, बिल्कुल है, जितना आप कोशिश करें, मुझे लगता है। देखिए मैं भी इस चीज को मानता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब सभी ये सोचने लग जाएंगे कि मैं काम करूंगा नजर लग जाएगी, तो वो काम कैसे करेगा बंदा? उसको सोचे नहीं, नजर लगती है, लगे ठीक है, लगेगी, आप उसके भी तोड़ है, आप वो भी कर लो, लेकिन आप अपना काम पे फोकस रखो। तीनों कुल पढ़ के फूंक ले, चार कुल पढ़ ले और आयतुल कुर्सी पढ़ लें और दुरूद शरीफ पढ़ लें और भी काफी सारी सूरतें हैं, कुरान शरीफ पढ़ें, यासीन पढ़ें, यासीन पढ़ें, सदका दें, ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन आप अगर उसको रोज सोचोगे कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ मुझे ये हो जाएगा, तो फिर ये करते हुए ये होगा, आप सोचो। बासिल जब पैदा हो रहा था, और बड़ी आपकी इमोशनल वो कहानी आपने बताई, आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त जब सभा का ऑपरेशन चल रहा था, और आपने कहा कि एक बड़ी एक इमोशनल आपके लिए मोमेंट थी, क्योंकि नमाज पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा महसूस हुआ फीलिंग आई कि सब ठीक हो गया। ऐसा ही था, तो इन्होंने तो अपनी फीलिंग्स बता दी, यू ऑन दी अदर हैंड जब आपका इतना जिंदगी का एक इतना बड़ा माइलस्टोन, इतना बड़ा एक लम्हा था और माज आपके साथ नहीं थे, वर यू अपसेट, वर यू एंग्री, वर यू सैड, वर यू फ्रस्ट्रेटेड, आपके जहन में क्या चल रहा था? नहीं, ये बात अभी तक मुझसे किसी ने पूछी नहीं, होना मैंने अभी तक किसी को बताई है, मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ। मतलब बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए, क्योंकि जैसे ही मास्क की फ्लाइट थी और मुझे डॉक्टर के पास जाना था, और मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हम आपका ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल बेबी था मेरा, और फिर उन्होंने एकदम से बोल दिया कि मंथ अर्लियर, एक महीना पहले, एक महीने पहले तक सब कुछ सही था। और जैसे ही मास्क गए और मैं डॉक्टर के पास गई, उसी दिन हम लोग मास्क को छोड़ के 11 बजे 5 बजे मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि बस इस तरह की सिचुएशन है और अब ये होगा। तो बस वो उस टाइम मैं गई हुई भी अकेली थी, तो मैं पूरे रास्ते रोती हुई आई कि मास्क भी नहीं है और वो इतनी जल्दी आ भी नहीं सकते, क्योंकि अभी तक तो वो पहुँचे भी नहीं होंगे।
तो मतलब पूरे रास्ते में आई, मैं घर आके रो रही थी, फिर मास्क की दादी को बुलवाया पापा ने, फिर दादी आई, फिर दादी ने मुझे दिलासा दिया कि इस तरह की सिचुएशन में ऐसा होता है, कभी भी कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर मेरी मम्मा को बुलवाया, फिर मम्मा ने आसरा दिया, मैंने कहा नहीं मुझे अभी बेबी नहीं कहना, जब तक मास्क नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊँगी हॉस्पिटल, मतलब ये था। फिर मैं पूरी रात लेटी रही, फिर मैं सोचती रही कि अल्लाह ना करे अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, बस यही था। फिर मैंने हार मान ली और फिर मैं हॉस्पिटल चली गई, फिर बस यही था, वेट कर रहे थे कि मास्क जल्दी आ जाए, कोशिश करें कि मतलब जब बेबी होने वाला हो तब पास हो, मतलब मेरी ख्वाहिश नहीं थी भाई, पर नहीं आ सके। आपके कितने टाइम बाद आए थे डिलीवरी के? छठे दिन, पांचवे दिन आए थे, पांचवे नहीं डिलीवरी के, मैं पांचवे दिन, हाँ पांचवे या चौथे दिन आए थे, ऐसे कुछ होगा। और ड्यूरिंग दैट टाइम कभी आपको ये बुरा भी लगा कि यार कि व्हाई इज ही नॉट हियर? बहुत ज्यादा, मतलब जब मैं जा रही थी ना, मतलब डॉक्टर ने कहा चले आप लास्ट कॉल करनी है आपने अपने हस्बैंड को या किसी को करनी है तो कर लें, बात कर लें, तो मैंने की थी, वो व्लॉग भी है, मैं बहुत रोई थी, मतलब मुझे ये था कि काश वो मेरे पास होते, मतलब मैं हक करती, मतलब वो बहुत इमोशनल वो होता है। पास ही था, पास मैं जिस जगह पे था वहाँ से पास ही था मैं, तो कि अगर इसमें ये भी चीज़ है, देखिए अगर मैं वहाँ नहीं होता तो अल्लाह ने बुलाया है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह आपको बुलाता है अपने घर पर, तो मैं अल्लाह के पास था और मैं ये सोच रहा था कि जो कंडीशन थी, जो डॉक्टर बता रहे थे जैसा कि भाई बेबी मसले में है, उसको अभी करना है हमें सी सेक्शन, ठीक है, तो वो उसके लिए फिर डॉक्टर ने जब इसको कहा, मैं उसी दिन मेरी फ़्लाइट थी, अब मैं जब उस दिन वहाँ जा रहा हूँ तो उसमें कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा कि मैं वहाँ गया हूँ, ठीक है, तो कि वहाँ पर आप दुआ करो और आप जिस दिल से जाते हो, जो आपका जज्बा होता है वहाँ पर, जितना करीब हो जाते हो अल्लाह ताला से, तो वो जज्बा था मेरा और मैं वहाँ पर दुआ कर रहा था और यहाँ पर ठीक हुआ, तो मैं मेरे कनेक्शन में सोचता हूँ कि कनेक्शन जुड़ा हुआ था इसमें। हाँ, एक ये भी सोचना कि अगर वो यहाँ पे हो भी लेते, आपको दिलासा देने के अलावा ऐसा क्या था, क्या कि था? क्या ही कर सकते, क्या करता था? और ये कुदरती एक अमल है, ऑब्वियसली जो भी चीज़ होती है अल्लाह की मर्जी से होती है, अल्लाह की मर्जी से होती है। मैं इसको ये बोल रहा था अगर मैं किसी वेकेशन पे होता तो मैं इसको रिग्रेट करता कि भाई मेरी गलती है सारी, लेकिन अभी मेरी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि जिस जगह पे गया था वो तो अल्लाह के बुलावे से ही बंदा जाता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने मुझे पता चली, मुझे नहीं पता थी, कल ही मुझे पता चली जब मैं रिसर्च कर रहा था, कि बासिल माशाल्लाह जब से पैदा हुआ है बहुत सारी मीम्स बासिल के ऊपर भी बनी, ये क्या मतलब, ये क्या है, ये क्या सीन है? मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में ना अभी चीज़ें नहीं होना शुरू हुई हैं, ठीक है, अब यूट्यूब पाकिस्तान में व्लॉगिंग डेली नहीं आई है, पहले भी लोग करते हैं, आपको पता है बाहर के मुल्कों में लोग कर रहे होते हैं, और यहाँ पर नहीं आई थी, ठीक है, एक फैमिली फ्रेंडली व्लॉग्स हैं जो कि घर में टीवी भी देख सकते हो, मोबाइल भी देख सकते हो। अब क्या सीन है कि आप देखते होंगे चैनल्स वगैरह छोटे बच्चों के, ला तादाद चैनल्स हैं जो कि गोरे बनाते हैं, ठीक है, दुनिया में इसमें कार्टून, वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर्स इन द वर्ल्ड, वो बच्चों के चैनल्स हैं। अब यहाँ पर मैंने बच्चों पर स्टार्ट किया बासिल पे, ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब से हूँ, मेरा बच्चा आएगा उसको भी मैं यूट्यूब पर लाऊँगा, क्या मैं उसको साइड पर कर दूंगा? नहीं, स्टार्ट क्या किया, मतलब फीचर करना शुरू किया? हाँ, फीचर करना शुरू किया बच्चे को, वो ऑब्वियसली बातें करूंगा जब मैं डेली व्लॉगर हूँ, वो मेरे घर में है, मेरा ही है, तो मैं तो लूंगा, तो मैंने उसको लेना शुरू किया, लोगों का बैकलैश आया कि भाई इसको क्यों ले रहा है, इसके टाइटल क्यों लगा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? उनको पता यही समझ नहीं आता असल में, उनको नहीं, क्या कॉमेंट आए, क्या यार उनको प्रॉब्लम यही है कि बासिल बासिल कर रहे हो, तो वो बासिल बासिल मेरा बच्चा है तो मैं नहीं करूंगा, तो क्या मेरा कोई रिश्तेदार करेगा आकर? मेरा बच्चा है, मैंने ही करना है, खत्म हो गई कहानी। नहीं, मुझे ऑनेस्टली नहीं, क्या है, क्या इशू? मतलब फेसबुक पे बहुत मीम बन रहे थे, पहले तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि आपको पता भाई उसका बच्चा है, क्या करे वो, क्या मतलब इशू, मुझे ऑनेस्टली इशू नहीं समझ में आया कल से, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि प्रॉब्लम नहीं, इशू कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि मैं टाइटल्स लगा रहा था अपने बच्चे के, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी ऑडियंस, वो ये कह रहे हैं कि यूजिंग योर बेबी एज क्लिक बेट, या नहीं क्लिक बेट तो नहीं, क्लिक बेट वो है कि उसके अंदर बेबी ना हो और मैं बेबी का डाटा लगा रहा हूँ, या तो मेरा बेबी नहीं हुआ और मैं बेबी बेबी कर रहा हूँ, क्लिक बेट वो है। इशू इस बात से था कि हम लोग बोल रहे थे, हम लोग जैसे फर्स्ट टाइम कोई माँ बाप बनता है तो उनको चीज़ें बतानी होती हैं, मतलब हम लोग घर में भी खानदान में अगर वीडियो नहीं भी बनाते तो बताते हैं, आज हमारे बच्चे ने, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ये बताते हैं, मदर्स बहुत सारे ब्लॉग्स बनाती हैं और एक होती है, और अच्छी बात है, लोगों को करना चाहिए, देखें एक आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आप करो, आप क्यों किसी की वजह से नहीं कर रहे हो कि मेरे खानदान में क्या बोलेगा? अगर आप इसको इस एंगल से देखें कि न्यू पेरेंट्स अपनी जो पेरेंटहुड में एंटर हुए हैं एंड वेरी यंग, 22-21 साल के ये लड़का लड़की पेरेंट्स बन गए हैं और अब ये 23 साल के,
तो अब ये अपनी पेरेंटहुड के बारे में आपसे अगर शेयर करें, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? बुरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी, बस वो चाहे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, लोग अच्छा लगा है बस, लोग क्योंकि मैंने वो व्लॉग्स देखे नहीं है, सो आई डोंट नो वो लोग जेलिस, आपने कोई ऐसी बात की इन्होंने, सिंपल व्लॉग है, कुछ भी ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा, जेलिसी है और कुछ भी नहीं होता, बस यही है कि बाहर वाले अच्छा, बाहर वाले अगर बुरा भी करेंगे ना उसको फिर भी अच्छा बोलोगे, अपने वाले अगर अच्छा करें या बुरा करें तुम उसको बुरा ही बोलोगे, हाँ बस ये बात है। अच्छा ये एक सवाल मेरी टीम ने मुझे दिया है, यस, अब जो टीम देती है, देखो मैंने पहली बार क्यू कार्ड उठाया वरना मैं अपनी बातें कर रहा था, तो ये इन्होंने लिखा है कि इरफान के साथ, इरफान जुनेजो के साथ कोई हुई थी बात, वो क्या हुई थी? वैसे इरफान से कुछ बात नहीं हुई, मैं उससे मिला था एक बार, हाँ वो मैं पहले बताओ मसला है क्या, ये क्या हुआ? यार मसला कुछ भी नहीं हुआ है, वह उसने यही किया था कि किसी दूसरे को अच्छा बता के मेरे को गंदा कर दिया था, लाइक अगर मैं आपकी तारीफ करूँ तो मैं किसी होस्ट का नाम लूंगा आपकी तारीफ करने के लिए, नहीं कि नहीं यार सिर्फ मेरी तारीफ, सिर्फ आपकी तारीफ, उसने एक बार ऐसा कर दिया था बस, वो थोड़ा बहुत हमारा हुआ था लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया, खत्म हो गया वो चीज, होगी बात सॉर्ट आउट हो गई थी, हाँ बट ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप मैं आपकी तारीफ करूंगा तो मैं सिर्फ आपकी तारीफ करूंगा, मैं क्यों किसी का नाम लूंगा आपको ऊपर कराने के लिए, आपको नीचे कराने के लिए, भाई ये बात है, अब बस खैर है, वो अच्छा था, अच्छा है वो, मैं से मिला भी हूँ, अच्छा है वो, ठीक है। सब आप मुझे ये बताएं कि ये जैसे बासिल तो माशाल्लाह अभी छः कितने महीने का, 10 months, 10 months का हो गया माशाल्लाह, अल्लाह उसे लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जब बासिल को लेके मीम्स बनना शुरू हो गई हैं तो क्या आपका कोई वो ब्रेकिंग पॉइंट आया कि आपने बोला बस माज अब इनफ इज इनफ, अब एटलीस्ट हम बासिल को नहीं फीचर करेंगे वीडियोस में? मैंने बहुत टाइम माज को ये बात बोली है, बहुत फिर माज ने मुझे समझाया कि सबा देखो लोगों का काम होता है बोलना, अगर तुम उनके उस पर तो फिर तुम कुछ भी नहीं करो, तो फिर इसी चीज़ों को माज ने समझा के, तो घर बैठ जाओ काम नहीं करो, माज का हमारा काम है और काम में लोग बोलते हैं, कोई भी फील्ड हो, फिर मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, कोई भी फील्ड हो लोगों ने आपको बोलना है, कोई भी बड़ी सोशल मीडिया की प्राइवेट हो बोलते लोग, ये जो बात है ना ये थोड़ी सी सेंसिटिव इसलिए भी है कि हम बहुत बार देखते हैं, अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉलो करें, एक्टर्स बहुत बार इस बारे में बात करते हैं यार कि हमें हमारी ट्रोलिंग हो रही है उससे हमारी मेंटल हेल्थ बड़ी इफेक्ट हो रही है, तो आपका ये जो एटीट्यूड है गो गेटर एटीट्यूड कि यार दिस इज माय जॉब, दिस इज माय वर्क, आप जो आप डेली व्लॉगिंग है इसको अपना काम समझ के करते हैं, आप यकीन करें कि मैं कॉमेंट में नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पता है उससे मेरी मेंटल हेल्थ खराब होगी, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ कॉमेंट, मेरे पिछले समझे अभी 1 साल हो गया होगा कि मैं कॉमेंट में नहीं पढ़े होंगे, मैंने एक आध अगर सामने आ गया होगा ना, जैसे मैं अपलोड करता हूँ वीडियो तो 3 कमेंट शो होते हैं, हाँ जब आप वीडियो अपलोड पे जाते हो तो 3-4 कमेंट शो होते हैं, बस वो अगर पढ़ लिए तो उसका रिप्लाई कर तो दिया, पता कैसे चलेगा भाई कि क्या वीडियो चल रही है, किस तरह का कंटेंट जो है वो लोग ज़्यादा पसंद, मैं चाहता नहीं कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, मैं वो चाहता हूँ कि मुझे क्या लोगों को दिखाना है, सिंपल खत्म यार क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है भाई, ऐसा ही है, आप देखती हैं कॉमेंट्स आपको इफेक्ट करता है, आप कैसे डील करते हो? इसको बहुत इफेक्ट करता है भाई, क्योंकि ये खातून है ना, मतलब अच्छे कमेंट्स नहीं, खातून है क्या मतलब यार, लड़के खातून मतलब बताता हूं, खातून मतलब ये नहीं बोला खातून है क्या मतलब, खातून ये है कि खातून को मना किया भाई कमेंट ना पढ़ो, अच्छा अब खातून कमेंट क्यों पढ़ रही है, हां तो फिर तो खातून उसकी भी अपनी एक वो है यार, वो सेंसिटिव है ना, अब उसका उसकी आईडी थोड़ी है, आईडी तो मेरी है, है तो वो ना आपकी वीडियोस में भाई, अब देखें ना, अब अगर आप उनको फीचर करें तो उनका भी हक है कमेंट, अब देखें ना वो मैं इनकी परमिशन से कर रहा हूं, अब जब मैं इनकी परमिशन से कर रहा हूं उन्होंने बोला हां करो मुझे फीचर तो मैं कर रहा हूं, ये बोली कि मुझे फीचर नहीं करो, मैं नहीं करूँगा लिटरली मैं नहीं करूँगा, हाँ मैं कोई जबरदस्ती नहीं करता, तो मैं इसको ये बोलता हूँ कि तुम जो हो कमेंट ना पढ़ो, लिटरली रोज बोलता हूँ लेकिन फिर भी पढ़ रही होती है, मैं क्या करूँ इसमें, आप कैसे डील करती हो जो नेगेटिविटी आती है? आप इग्नोर करना शुरू कर दिया है, मतलब बुरा नहीं लगता, अब मतलब जैसे मीम्स वगैरह भी बनते हैं तो हंसी आती है, इन्जॉय करते हैं हम लोग मीम्स पे दोनों बैठ के साथ, पहले बहुत बुरा लगता था, रोना भी आता था कि मतलब लोग क्यों कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर उस पर लोग ये हरकतें कर रहे हैं, तो बस अब ये है कि लोगों का काम है, उनको भी कुछ चाहिए अपना पेज चलाने के लिए, अपना कमाने के लिए, अपने करने के लिए, तो बस वो देखेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा वो रहा है तो वो वहीं ये चीज़ें जो है ना ये चीज़ें निकलवाती है मीम्स इस पे भी मीम्स बन जाएंगे नहीं मीम्स ही बन जाएंगी, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप ना कोई रिएक्ट ना करो, देखो जो जो काम कर रहा है उसको चुपचाप करने दो, भले आपकी कोई इंसल्ट कर रहा हो, भले आपकी कोई रिस्पेक्ट कर रहा हो, करने दो उसको, क्योंकि उसका दिमाग आपकी तरह वर्क नहीं कर रहा और आपका दिमाग उसकी तरह वर्क नहीं कर रहा। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस सब में आपके दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या कितना रोल है और क्या रिएक्शन है और क्या रिस्पॉन्स? पेरेंट्स इसके भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत चिल में बहुत चिल में लगे रहो, नो टेंशन, नो टेंशन, क्यों टेंशन, कुछ बुरा करेंगे तो टेंशन है ना, कुछ बुरा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो टेंशन नहीं है। आपके पेरेंट्स? हम दोनों के पेरेंट्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब हर चीज़ में,
वो नहीं कहते यार थोड़ा सा कट डाउन कर दो पर्सनल लाइफ इतनी ना शेयर करो? नहीं देखिए वो डिसीजन मेरा ही है कि मैं अगर चाहूँ अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म करना तो मैं ख़त्म कर दूंगा, मतलब पर्सनल ख़त्म कर दूंगा जब मैं चाहूँगा, जब तक मैं नहीं चाहता तो मैं पब्लिक रखूँगा उसको। ठीक है, आप साथ हैं फुल मास के, वेरी गुड यार, ज़बरदस्त। हस्बैंड वाइफ हो तो ऐसे हो, देखो माशाल्लाह। अच्छा अब हमारी गेम है बड़े मज़े की, इसका नाम है नकल के लिए अकल। ठीक है, आप दोनों को अलग अलग ये एक एक सिचुएशन दी जाएगी, ठीक है, और उस सिचुएशन में आपको मैं कुछ प्रॉप्स दूंगा, ठीक है, आपने उन प्रॉप्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ठीक है? पहले किसको दूं सिचुएशन? आपको दूं। चलें, आपकी सिचुएशन ये है कि आपने एक व्लॉग बनाना है। पहले तो बताओ व्लॉग होता है या व्लॉग होता है? बहुत लोग व्लॉग होता है, व्लॉग्स और व्लॉग, लोग व्लॉग भी करते हैं, व्लॉगर, व्लॉग, व्लॉग, व्लॉगर, व्लॉग भी कहते हैं लोग, व्लॉग, आई डोंट नो ये क्या है, आप लोगों ने अपने अपने बनाए हुए, ठीक है, मैं और आप व्लॉग कहेंगे, व्लॉग, आप भी व्लॉग कहोगे, हम तीनों व्लॉग कहेंगे, ठीक है। आपने मुल्क के हालात पर एक व्लॉग बनाना है और क्योंकि लोग काफी परेशान है तो इन चीजों को भी आपने कवर करना है कि यार के बड़े मुल्क के हालात टाइट है, उसमें आपने दो चीजों के ऊपर बात करनी है स्पेसिफिकली, क्या? मुल्क के हालात और यूट्यूबर्स, ये दो चीजों के ऊपर आपने व्लॉग बनाना है, इन दो चीजें बस। हाँ, और बीच बीच में मैं आपको कोई प्रॉप्स पकड़ाऊंगा तो आपने उन प्रॉप्स को फौरन ही इनकॉर्पोरेट कर लेना है अपने ब्लॉग में, ठीक है? रेडी? हाँ रेडी हूँ। अगर गलती हो जाए तो माफ भाई, एक मजाक चल रहा है तो मजाक के हाथ में लेना इसको, ठीक है? थैंक यू। फोन पकड़ा दे माज को, एक फोन ये रहा। हाँ हाँ चलो, ओके, 1 2 3 मैं दिखाऊंगा, चलो स्टार्ट कर दूं। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम, सो भाई वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, मैं हूँ माज और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। आज हम जो है ना सिचुएशन जो हमारी है वो है मुल्क के हालात पर। अब हमारे पास आगे प्रॉप्स आने वाले हैं उसके सिचुएशन के हिसाब से। प्रॉप्स आपने बताना नहीं है कि आने वाले हैं? हाँ, ये आप अपनी नेचुरल, बस मैंने वहाँ देखना है। नहीं नहीं, आप अपना व्लॉग बनाते रहो, मैं आपको प्रॉप्स पकड़ा, वो इधर दिखाऊंगा मैं। हाँ, आप उनके ऊपर कुछ भी बात कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि प्रॉप्स आने वाले हैं। अच्छा, ये नहीं, आपने नेचुरली उनको इंक्लूड कर लेना। अच्छा बस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, आज हम सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, टेक टू था ये। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई मुल्क की सिचुएशन के हवाले से, और दूसरा आप जो चैनल देख रहे हैं ये यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हैं, सो यस। तो आज हम बात करते हैं हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और पैम्पर भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं गाइस। तो पेट्रोल डलवाएं या बच्चों के पैम्पर लें, ये दो चीज़ों में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ही भी छोटा है, तो पैम्पर भी बहुत ज़रूरी है और मेरे पास गाड़ी भी है तो पेट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। और इस चम्मच से ना बासिर बिल्कुल भी नहीं खाता है क्योंकि चम्मच काफ़ी बड़ा है, उसके लिए प्लास्टिक के चम्मच यूज़ करते हैं अभी हम लोग, ये स्टील का मैं अपने लिए रख लेता हूँ जी। और ये तौलिया जो है ना लाइक ये पसंद मुझे नहीं आ रहा क्योंकि ये छोटा तौलिया और ये बासिल के नहाने के लिए काम आएगा, लाइक मेरे लिए तो काम नहीं आएगा, मेरे लिए तो बड़ा तौलिया चाहिए होता है। और सोच रहा हूँ यार जहाज़ की फ़्लाइट भी वैसा, वो फ़्लाइट्स भी आजकल काफ़ी महंगी हो चुकी है, सोच रहा था बाहर जाऊँ बट अब डॉलर इतना महंगा हो चुका है तो डॉलर लेना काफ़ी मुश्किल हो गया है, तो अब मैं घोड़े पर जाऊँगा। गुड जॉब यार, गुड जॉब। अच्छा, इसका मतलब है किसी भी चीज़ पे व्लॉग बन सकता है? बन सकता है, बन सकता है, वन गो भी, वो भी वन गो। आप कैसा रेट करेंगी माज के व्लॉग को? इसको बेहतर हो सकता था, मुझे आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आर यू अ टफ क्रिटिक, जब माज कोई व्लॉग शॉक बनाते हैं तो आप बताती हैं कि नहीं ये सही नहीं हुआ। हाँ, कितने आइडियाज भी मैं देती हूँ कि माज था, कितने टाइटल्स इसके होते हैं। अच्छा, आधे से ज्यादा तो मेरे ही होते हैं। इसमें क्या माज बेहतर कर सकते थे? बहुत चीजें थी जो कर सकते थे। अब पता क्या होता है, सिचुएशन क्या होती है, देखिए अब मैं इसको गंदा भी कर सकता था। कैसे? मैं सारी इसकी बुराई शुरू कर देता। हाँ, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव रखना था, अपने तक रखना था, ना कि किसी और तक। हाँ, तो फिर मैंने इसको इस तरह किया कि मैं करूँ जो भी करूँ ये बासिल का आगे, मैं किसी और पे क्यों रखूँ। ठीक है, तो इसमें ये भी चीज़ें होती है कि आप कभी भी कुछ भी घुमा के किसी भी रख सकते हो व्लॉग के अंदर। ठीक है, अच्छा आपकी सिचुएशन, आप और माज आपस में किसी चीज़ के ऊपर कोई डिस्कशन कर रहे हैं, बात हो रही है, ठीक है, घरेलू मसाइल के ऊपर, यार आजकल घर में ये मसले चल रहे हैं और वो सारी चीज़ें, और मैं आपको बीच में कुछ प्रॉप्स दूंगा, आपने उस डिस्कशन में उन प्रॉप्स को इस्तेमाल करना। ठीक है, चलें स्टार्ट करें, आपको गप लगा रहे हैं आपस में, कोई भी बात हो रही है आपकी जी भाषण का। आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, पहले आप ये यूज करने फिर बात करिएगा। थैंक यू जी, लेकिन यहाँ पर मुझे
पैसे नहीं दिख रहा, ऐसे यूज़ कर ऐसे कर लूँ ये ऐसा अच्छा रहता, टू पैसे आपके पास? ये नहीं ये नहीं ये यूज़। ओके वैसे मैंने आपको देखा था आपने सिगरेट पी थी रात में, तुमने भी सिगरेट पी थी देख लिया। आपके पास क्या कर रही है ये? मेरे पास क्या कर रही है जी? मैं इसे क्या करूँगा? क्या करेंगे यार, मैं करूँगा तो तुम्हें लगता है मेरी ड्रेस से निकली है? ये क्या कर रही है आपके पास? ऐसा हो नहीं सकता, देखो मैं गया हूँ किचन में, मैंने कुछ पकाया होगा, चाय बनाई होगी, इतने अच्छे नहीं है आप, क्या किचन चले जाएं? वाकई में गलती से लिया आया, गलती से। और अगर मैंने देखा कि आपने इस तरह की कोई हरकत करी है, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम अगर पकड़ी गई तो फिर मैं पीता हूँ, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अगर नेक्स्ट टाइम आपने कोई भी हरकत करी ना तो ये आपके जितने भी बाल है ना वैसे आपको जरूरत नहीं है बालों की, क्योंकि आप वैसे भी कैप पहनते हो, तो मैं यहाँ से यूँ कह के पूरे काट दूँगी। यार प्लीज यार प्लीज रख दो सब, ये बच्चों के हाथ में बिल्कुल अच्छी लगती, इसको बड़े यूज करना अच्छी लगती है, आपके हाथ में अच्छी नहीं लग रही बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये नहीं, ये आप लगा लें, इसकी आपको बहुत ज्यादा नीड है यार। ये मैं रख रहा था अपने बच्चे के लिए, न्यू न्यू आप लगा लें यार, देखो न्यू न्यू चुस्नी मिली है टेलीविजन से, पागल घर लेके जाओ, मेरे लिए नहीं है। उनको पता है ये भी बहुत छोटा है, ये आप लगा लें। मैं लगा बासे लगाए की बात है, वेल ये ज़्यादा अच्छा सेगमेंट था सबा, आप मुझे समझ आ गए, यू आर द ब्रेन बिहाइंड मास का ज़्यादातर कंटेंट, वेल डन भाई। हमारा अगला सेगमेंट है, इसका नाम है डेंजर डेक। डेंजर डेंजर डेक डेक डेंजर डेक में होता ये कि रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर है, मैं पूछूंगा सवाल आपने जल्दी जल्दी जवाब देना, ठीक है? आपसे शुरू करूँ पहले? चलो, ऑनलाइन ट्रोलिंग से कैसे डील करते हैं? आपने बता दिया, आपने कहा मैं कमेंट्स नहीं देखता, कमेंट्स नहीं देखता, कमेंट्स नहीं देखते। कौन सी ऐसी तीन बातें हैं जिनका ख्याल यूट्यूबर्स को रखना चाहिए? किसको रखना चाहिए? मुझे, यूट्यूबर्स को, जनरली यूट्यूबर्स जो भी यूट्यूब पे कंटेंट बनाता है उनको क्या तीन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मतलब पर्सनल लाइफ उसको हाइड रखे, जो कि मैं नहीं रखता, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि लोग रखें, ठीक है। दूसरा फैमिली फ्रेंडली रहो, ठीक है, क्योंकि उससे क्या है, उससे YouTube भी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि YouTube नहीं चाहता कि आप गालियाँ दोगे तो आपको पर पम्प करेगा ना, वो डाउन कर देगा आपको, तो वो ख्याल करना है। और कंसिस्टेंसी मांगता है YouTube, ठीक है, कि डेली आप लगे रहो बस ऊपर। बंदा आपसे ये सवाल कर सकता है कि एक चीज़ जो आप खुद नहीं कर रहे हैं आप दूसरों को मशवरा दे रहे हैं तो आपकी बात क्यों? क्योंकि देखिए, और फिर अगर मेरी ना मानो मशवरा दे रहे हैं तो आप खुद क्यों नहीं कर रहे? मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी मैं इस एरा के अंदर हूँ कि मैं बस को कुछ टाइम बाद लीव कर दूंगा, ये थोड़ी कि मैं पूरी लाइफ करूंगा इसको, तो मैं अभी से सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि आप नहीं करना, ठीक है? ये आपने लर्न किया अपने एक्सपीरियंस, ठीक है। आप अब तक का सबसे चैलेंजिंग ब्लॉग कौन सा था आपका? यही वाला जब बेबी हुआ था, वही मेरा सबसे हाइप पर ब्लॉग है और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मेरा चैलेंजिंग भी वही था, सबसे चैलेंजिंग मेरे लिए वही था ना, क्योंकि मैं वो बना नहीं पा रहा था उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा, शोबिज इंडस्ट्री की सबसे बुरी बात क्या लगती है आपको? मैं शोबिज इंडस्ट्री में देखी नहीं अभी तक, तो मुझे कोई आपको आइडिया नहीं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं किया। एक्टर वैक्टर कौन क्या है, कोई कुछ नहीं? अभी तक मैंने उसको किया ही नहीं एक्सपीरियंस शोबिज इंडस्ट्री को, ठीक है। कोई ऐसे यूट्यूबर का नाम बताएं जिसको आपको लगता है कि यार पैसा बनाना नहीं आता, अगर काम सही करता तो बहुत पैसा बनाता। काम सही करता तो बहुत पैसा बनाता, मैं खुद कितना बनाना है और क्या चाहते हो, क्यों कह रहे हो ऐसा? सच में, क्योंकि मैंने अपनी मैनेजमेंट सही नहीं की हुई, वो मेरी बाकी है, और प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया कि उसको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, क्योंकि 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स इज ह्यूज, ठीक है, अगर उसके साथ आपका टीम वर्क हो ना तो आप बहुत बड़ा हो सकते हो, ठीक है। यूट्यूबर होने के तीन फायदे और तीन नुकसान? यूट्यूबर होने के तीन फायदे तीन नुकसान, देखिए यूट्यूबर होने के फायदे कि एक तो आपको सब जानते हैं, ठीक है, और आपको मैं क्या ही बताऊँ इसमें, मैं किस्म से नहीं बता सकता क्यों इसके फायदे नुकसान क्यों? मैं आपको अभी इन बातों बताया थे कि एक नुकसान बता दिया कि भाई पर्सनल लेकर नहीं आओ, वो भी इसी में काउंट हो रहा है, और फायदा भी यही है कि वो आप तो मशवरे थे ना, तो ये भी फायदा क्या है इसका, कोई फायदा ही नहीं बनता। फायदा नहीं है YouTube में? YouTube में क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है YouTube में। क्या फायदा है YouTube का? पूरी माशाल्लाह आपने जिंदगी सेट कर ली YouTube पे कंटेंट बना के। देखे ना, बस एक में जवाब है इसका, एक ही चीज में जवाब, एक ही जवाब है। अच्छा, आप जिंदगी सेट कर लो। नुकसान यही है कि आप अपनी लाइफ के बारे में इतना बता दो कि फिर लोगों को और भी जानने की ख्वाहिश रहेगी कि भाई इसके घर में और कौन लोग हैं, ठीक है, ये क्या करता है, और ठीक है। सभा को कौन सा एक्टर पसंद है बताए कुछ, सब उसकी सभा की तरफ नहीं देखना है, खुद जवाब देना है। नहीं नहीं बता सकता। या वाइल ग्रोइंग अप सभा को जब मैं सिलेक्शन में था, जब इसको पसंद था फरोज खान, ठीक है, जब इसको वो पसंद था, बट अब मुझे नहीं पता क्यों, अब कौन सा, अब मैंने पूछा नहीं ना शादी के बाद से, ठीक है, शादी से पहले फिरोज खान पसंद था, ओके। सभा माज अगर यूट्यूबर ना होते तो किस प्रोफेशन से ताल्लुक रखते, ये आपके लिए सवाल है। वाला आप पे शिफ्ट हो गए सब्जियां बेचता
ये तो मुझे आइडिया नहीं है। नहीं फिर भी कोई मैं ये कर सकता था अगर मैं वो नहीं होता तो मुझे पता ये क्या करते यार। मैं आपको बता रहा हूं खुद नहीं पता बिजनेसमैन स्पेसिफिकली मैं आपको बता जी बताएं गाड़ियों का काम कर रहे होते हैं नहीं है देखो ये कैसे पता आपको। हाँ वो मैंने पॉडकास्ट में बोला था राइट। देखो मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ आपके शोर को। यस 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 बिजनेसमैन ही होता ना वही गाड़ियों का काम में बिजनेस ही कर रहा होता। आपको क्या चीज बहुत बुरी लगती है जनरली किस चीज में एमी जनरली आपको एक चीज बहुत ऑफेंड करती है बात मुझे अपनी किसी के बारे में भी जनरली चले मास के बारे में बता दें मास की क्या बात है आपको बहुत ऑफेंड करती है। मास सुनते बहुत कम है हैं सुनते बहुत कम है सुनते कम है हाँ अपनी ज्यादा चलाते हैं मतलब इनको बाद में रियलाइज होता है कि ये बात मुझे सुन लेनी चाहिए थी उस टाइम नहीं सुन रहे होते। ये हर लड़की का ये नहीं नहीं हर वाइफ का यही है कि मेरे शोर सुन लेता तो उसी वक्त अच्छा होता। ठीक है आपका फेवरेट डिजाइनर कौन है कपड़ों का शौक है आपको शॉपिंग का? मुझे बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा शौक बहुत सिर्फ एक ही शौक है सिर्फ शॉपिंग। डिजाइनर नहीं है ये किसी मॉल से ना मुझे मैं कोई भी मतलब कुछ भी डिजाइन कर ले वाली थी अच्छा। मतलब इस तरह के मतलब कोई भी ड्रेसेस पहन लेती हूँ नहीं होना चाहिए ड्रेस। ठीक है अब आपके हस्बैंड का क्योंकि ताल्लुक इस एक तरह से इस इंडस्ट्री से है तो आपसे हम पूछेंगे कि ये जो नाम है इनको आपने रेट करना है इनके कंटेंट के हिसाब से। ठीक है टिकटॉकर्स हैं और आपने बताना है कि किसका अच्छा टिकटॉकर्स हैं उनको आपने रेट करना है फ्रॉम गुड टू नॉट सो गुड। जानती होंगी तो कर दूंगी। हाँ ठीक है जन्नत मिर्जा रिबेका खान अरिका हक सहर हयात और पिंकी फ्रांसिस सबको 10 out of 10 सबको 10 out of 10 सब अच्छे हैं अपनी तरफ से अपनी तरफ से। ठीक है आप देखती हैं एक्टर्स जैसे उन्होंने बताया आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा पाकिस्तान में तो कोई नहीं है अब। पाकिस्तान में है ही नहीं कहाँ पे है कौन है? इंडिया में अच्छे लगते हैं कौन? आलिया भट्ट। ठीक है और बस तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में आपको कोई क्यों नहीं पसंद आ रहा? पहले थे पर अब नहीं अच्छे लगते मजा बस मूवीज नहीं है ना मूवीज यहाँ पर बहुत कम है। हाँ ड्रामे है सही है और ड्रामा इंडस्ट्री में आप कैसे चूज कर सकते हो कौन अच्छा एक्टर है? क्यों भाई मूवी आनी चाहिए ये क्या बात? देखिए अब मेरा फेवरेट कौन है? SRK। हाँ ठीक है मुझे मूवी पसंद है मूवीज पसंद है। आपको पता है ना पाकिस्तानी ड्रामों की ग्लोबल ऑडियंस कितनी स्ट्रांग है और कितनी इंडिया में ज्यादा देखी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया में बहुत पसंद करते हैं इंडिया में बहुत पसंद किए बहुत पसंद किए काम लेकिन उसमें जज नहीं कर सकते। मूवी जो है ना जैसे फहद मुस्तफा करता है ठीक है मैंने फहद मुस्तफा मूवी पर्सनली देखी है वो जो काजल अम्बानी थी अभी वो मुझे बड़ी पसंद आई थी। मुझे मूवी से पता लगता है एक्टर कौन है ड्रामे से पता लगता है। मैं खुद समझता हूँ कि ड्रामा मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं मूवी नहीं कर सकता। मूवी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है बहुत। चलो गुड जॉब यार पे अच्छा अच्छा खेला आपने। हमारा जो अगला सेगमेंट है ये मैं आपसे सवाल पूछूंगा कुछ इसका नाम है हाउ वेल यू नो ईच अदर। ठीक है तो आप दोनों को ये बोर्ड्स मिलेंगे आप दोनों ने एक ही सवाल का जवाब देना है और बाद में हम देखेंगे कि किसने सही जवाब दिया और किसने गलत जवाब दिया। ठीक है सो मैं एक सवाल पूछूंगा आप दोनों उसका जवाब लिखेंगे आप देखेंगे नहीं चीटिंग नहीं करेंगे और फिर आप बोर्ड फ्लिप थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं ना नहीं चीटिंग क्यों करनी थोड़ी बहुत तो कर सकते चीटिंग नहीं करनी आपने। ठीक है सो पहला सवाल ये है कि मास का फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? ठीक है फ्लिप करें यस हो गया लिख दिया क्लिप करो हाँ हाँ SRK अभी बोला है उसने तो गुड ठीक है वैसे मुझे पता है। ठीक है वेरी गुड अच्छा दूसरा सवाल सबा का फेवरेट यूट्यूबर कौन है मास के अलावा? मास का नाम नहीं लिखना इतने कच्चे थोड़ी हम मेरे लिखने सबा का भी हाँ अच्छा मैंने भी सबा का हाँ दोनों ने लिखना है दोनों ने सवाल का जवाब देना तभी तो पता चलेगा हाउ वेल यू नो ईच अदर। संभावना इंडिया की ये संभावना से यार वेरी गुड मुझे पता था। ठीक है अच्छा जी असल में वो डॉग्स पे ब्लॉग बनाती है ना तो उसको ये एनिमल्स बहुत पसंद है। ठीक है मास का फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर मुझे नहीं पता मैं नहीं पता आइसक्रीम सब फ्लेवर फ्लेवर कौन सा खाता हूँ मैं
सवा वक्त ले रही है सोचने में, एक बार लिख के मिटा रही है। दिखा नहीं रहा। चीटिंग नहीं करनी। फालसा? मुझसे क्यों पूछ रही हो? यार लिखो ना। मैं दिखाया नहीं। हाँ फालसा। वेरी गुड यार, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। अच्छा भाई सही था ना? और क्या? सबा की फेवरेट डिश? हाँ बिरयानी। बिरयानी। ओके वेल डन, शाबाश शाबाश। माज के इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? ये तो गलत सवाल पूछ। क्यों? बताना चाहिए आपको। अभी तो है मेरे 1.6। बोलना नहीं है। मैं नहीं बोला। 1.6। वेरी गुड यार, तो इसमें गलत सवाल क्या है? सही तो बताया। ये मैं तुक्का मार रहा है। सबा के इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? हाँ ये भी गलत सवाल है, सबा को खुद भी नहीं पता। शायद हाँ, मुझे जो बताया गया 3,16,000। अच्छा, मेरा, लेकिन आपने सही बताया। मेरा अकाउंट हैक हो गया ना, 1 मिलियन होने वाले। लेकिन दोनों ने सेम बोला है। हैक हो गया? हाँ, मैं पासवर्ड भूल गई। 1 मिलियन के करीब है वो हैक। 7 लाख अभी तक भी है। पासवर्ड भूल गई 7 लाख। तो यू कांट यूज इट नाउ? नो। अब फिर मैं न्यू बनाया। तो नया बनाया वो 3 लाख में चले गया। कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। अच्छा अब आपने 3 ऐसे नाम बताने हैं यूट्यूब फैमिली में से, यूट्यूबर्स में से, जिनके साथ सबा मिलना पसंद करेंगी या हैंग आउट करना चाहेंगे या आप दावत पे चले गएंगे। अच्छा मुझे तो एक का ही पता। उन्होंने शक्ल ऐसी बनाई है, उन्होंने कहा कोई भी नहीं है उसको, उसको एक ही है जो मैंने बताया आपको। इंडिया उसी के साथ चाहती है कि मैं उसके साथ मिल जाऊँ। उसी के साथ बस, उसी से। लोकल किसी के साथ ऐसे नहीं है कि यार मैं मिली हुई मैं सबसे तो मिली हुई तो है ही है। तो चलो मिली हुई तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना कि मिली हुई जो आपको अच्छे लगे, आपने बोला यार इनके साथ दावत होनी चाहिए। 3 कोई यूट्यूबर्स लिख रही हूँ, उनके दिमाग में है चीज राइटिंग। ये मुझे नहीं पता, मुझे एक कहीं नो मन। चलो ठीक है। अच्छा आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, माज की फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है हॉलीडे के लिए, जहाँ पे उनको जाने का बहुत शौक हो भाई यहाँ जाना है? मेरी तो एक ही है भाई। एक ही है, ये बताना जरूरी था? पहाड़। पहाड़, पहाड़ों पे जाना अच्छा लगता है ना? हाँ फेवरेट। हाँ लाइफ की? हाँ दुनिया की? हाँ जापान। मक्का। जापान मैंने बोल दिया। मक्का लिखा है। मक्का, उससे अच्छी कोई लोकेशन है ही नहीं दुनिया में। वेरी गुड यार, तालियां। ये गलत हो गया। मतलब आपने ज्यादातर जवाब आप लोगों ने सही दिए सिवाय एक के। ये वाला एक के, एक के। आप मतलब इसको इसलिए क्योंकि मैं ज्यादा पहाड़ पे जाता हूँ ना। हाँ और वो तो इसका कनेक्शन तो बुलावे के साथ है, ये मेरा कंफर्म। लेकिन ये ऐसा भी होगा अगर तो मैं, मुझसे ये सवाल पूछता मैं भी यही बोलता। हाँ। तो मुझे दो सवाल मैं बेहतर जानता हूँ आपसे माज को। हाँ। आपको चाहिए मैं साल में बहुत जाता था, मेरे बेबी का पासपोर्ट नहीं बना हुआ ना अभी। हाँ। वरना मेरा साल में 1-2 चक्कर अल्हम्दुलिल्लाह से हो जाते थे, अभी 1 साल में अभी एक भी नहीं हुआ। तो मैं इसको ये कंसिडर करूँ कि मेरा बुलावा नहीं है शायद। ठीक है ओके, बड़ा अच्छा लगा भाई दोनों सेगमेंट में आपने अच्छा खेला। अच्छा इससे पहले हम अपनी एक अगली गेम की तरफ जाएं, माज मुझे ये बताओ माशाल्लाह अब आप यूट्यूब से आपका फोकस शिफ्ट हो गया है बिजनेस की तरफ। यस। तो आपका रिजॉर्ट भी है सवाद में? जी यार, टेल मी समथिंग अबाउट दैट। माशाल्लाह यार रिजॉर्ट ऐसा है कि कितना आपने बताया था एरिया मुझे, कितने एरिया पे? 17 कनाल। 17 कनाल का आपका माशाल्लाह रिजॉर्ट है सवाद में। सवाद में फिजागढ़। क्या नाम है? फिजागढ़ वो जगह है। हाँ उधर मंगौरा से आगे। और रिजॉर्ट का क्या नाम है? रिजॉर्ट का नाम MS है, MS अली कंट्री क्लब, और उसके साथ रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट का नाम है MS रेस्टोरेंट। ये आइडिया कैसे आया भाई कि सवाद में रिजॉर्ट खोलना है? मैंने देखिए मेरा शुरू से था बिजनेस का, आप जैसे बोला ना मैं कारियों काम करता, तो मेरा बैक प्लान तो बिजनेस था। ये तो ऐसी बाई चांस मैं इस फील्ड में आ गया और कर रहा हूँ। बाकी जैसे ही मेरा काम हल्का किया मैंने अपनी ब्लॉगिंग को, जब थोड़ा सा इधर से ब्रेक लेना शुरू किया तो मैंने फिर बिजनेस में दोबारा ध्यान दिया। तो वो पैसा सारा आपने खुद लगाया वहाँ पे या पार्टनर्स हैं या कैसे? नहीं पार्टनर्स नहीं है, असल में वो सीन ऐसा होता है कि वो जगहें लीज पे मिलती हैं आपको। हाँ वो जितनी पहाड़ की जगह होती हैं आप लीज पर ही लेते हो, क्योंकि वहाँ पर जगहें हैं उनकी अपनी होती हैं, तो लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है
तो लीज कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। तो मुझे ये नहीं पता है कि एक जमाने में आपके पास बिटकॉइन भी था। हाँ बिल्कुल था, छोटी उम्र में आपको ये भी था यार कि बिटकॉइन में भी आपने करता था। मैं उसको करता था, उसकी ट्रेड वगैरह हल्की बहुत करता रहता था रात रात भर। और आपका एक फ्रेग्रेंसेस का भी बिजनेस है। वो भी है, यस है। माशाल्लाह यार, ये तो बड़ा चल रहा है। ये जो इनके अंदर एक बिजनेस सेंस है, उसमें आपकी कोई कंट्रीब्यूशन है? आपसे डिस्कस करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये रिजॉर्ट वाला आइडिया था, तो आपसे कोई डिस्कशन हुई, आपने अपनी सजेशन दी करो नहीं करो? फ्रेग्रेंसेस का जो बिजनेस है, तो बिजनेस में कितना जो मास की डीलिंग्स हैं उसमें आपकी है इन्वॉल्वमेंट? आगे का नहीं, पर जब स्टार्ट लेते हैं ना मास की, यहाँ पे मुझे करना है, तो फिर हम लोग मशवरा करते हैं एक दूसरे से। फिर उसके बाद मास का बस चले तो वो सब पहाड़ों पर अपनी एक एक कुछ ना कुछ छोटा छोटा बिजनेस रख दे वहाँ पर। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत इनकरेज करना सुन्नत भी है भाई, बिजनेस करना सुन्नत भी है। सही है बिल्कुल यार, बहुत अच्छी। देखें यही मकसद यही है, मास को यहाँ पे बुलाया हमने, और हम चाहते हैं कि आप ये सीखें बातें आजकल की जो हमारी यूथ है, कि 23 साल की उम्र में बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर, फ्रेग्रेंसेज का बिजनेस, रिजॉर्ट रेस्टोरेंट, और आगे और आप प्लान करोगे मजीद आप चीज़ें। प्लानिंग हुई भी आगे, प्लानिंग भी हुई भी आगे हुई भी है। क्या है पाइपलाइन? अगर एक महीने बाद शो करते तो शायद कुछ और ही बता सकता था। अच्छा वाह, अभी एक महीने मैं ऑफ कैमरा पूछ लूंगा, और जब तक होपफुली वीडियो आएगी आपको शायद पता चल जाए, किसी ना किसी व्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। हाँ पता चल जाएगा। ठीक है, हमारी अगली गेम है वो भी बड़े मजे की, उसका नाम है 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल, ठीक है? आई मीन ये गेम खेलेंगे हम यहाँ पे, बड़ी सिंपल गेम है, 5 सेकंड रूल इसका नाम है। आपने स्ट्रॉज को मुंह में डाल के, ठीक है, इनको बंटियों को डालना है यहाँ पे, ठीक है? अभी नहीं, रुक जाओ। अच्छा, सेम कलर की? हाँ सेम कलर की डालनी है, और आपको मैं दोनों से एक एक सवाल पूछूंगा, और आपने उस सवाल का 5 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देना है। ठीक है, ठीक है। एक सवाल आपसे पूछूंगा, एक सभा से पूछूंगा। मैं जब सवाल पूछ रहा हूँ आपने रुकना नहीं है, आपने अपनी ये एक्टिविटी जारी रखनी है। सही है, समझ आ गई? कोई सवाल? नो टेंशन, ओके। 1 2 3 स्टार्ट। नेम 3 things यू डू इन कार। मास सीट बेल्ट। सीट बेल्ट। 2 सीट बेल्ट। क्या सीट बेल्ट लगाता हूँ। 2 और हैंड ब्रेक नीचे करता हूँ और स्पीड देता हूँ। 5 ओके। सभा, नेम 3 things यू शुड नॉट डू इन कार। सीट बेल्ट नहीं लगा दी। 1 आपसे नहीं पूछा। 2 सभा आपका सवाल है ये, सीट बेल्ट नहीं लगाती। 1 यू शुड नॉट, ये आपने नहीं, आपने कहना कि यू नहीं करनी चाहिए गाड़ी जी में। नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं करनी चाहिए। अच्छा 1 स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। 2 और 3 बस स्पीड में चलना चाहिए। 4 स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा हो गया, ठीक है। मास, नेम 3 celebrities यू हैड अ क्रश व्हाइल ग्रोइंग अप। मैं जब बड़ा हुआ था मेरा क्रश कौन था? 1 2 क्रश लड़का भी हो सकता है, राइट? कर सकते हैं लड़के को, कर सकते हैं क्रश। हां एसआर के, 3 ऋतिक रोशन, 4 और जैकी चैन, 5 ठीक है ओके। सबा, नेम 3 things यू कैन टेक फ्रॉम अ होटल। मतलब जब आप होटल में रुके हुए होते हैं, 3 चीजें आप ले सकते हैं वहां से। शैम्पू। 1 2 कंडीशनर। 3 लोशन। 4 अच्छा मास, नेम 3 words दैट डिस्क्राइब सबा। 1 ब्यूटीफुल। 2 सॉफ्ट। 3 और कूल। ओके सबा, 3 चीजें जो आप अपने घर में कभी नहीं देखना चाहेंगी। लड़ाई झगड़ा। 1 2 3 लड़ाई झगड़ा। 5 गालियां। मास, 3 लव्स जो आप बहुत यूज करते हैं। मेरा सारा फोकस ना गेम की तरफ। मेरा 2 कैसे हो। 3 ठीक ठाक हो, मजे में हो। 4 5 3 बता दिए, ठीक है। सबा, नेम 3 celebrities यू हैड अ क्रश ऑन व्हाइल ग्रोइंग अप। 1 हानिया मिर। 2 जब बड़ी हो रही थी। 3 यू हैड अ क्रश ऑन हानिया मिर। 4 फिरोज खान। चलो यार ये मेरे मजे के माशाल्लाह दोनों हैं, उनका एसआरके पे क्रश है, उनका हानिया पे क्रश है। मास जी, 3 रीजन जिसकी वजह से आप कहीं जाने के लिए लेट हो जाते हैं। 1 दिल नहीं करता जहाँ जाना होता है। 2 3 और गाड़ी का भी मसला आ जाए। 4 और 5 दूसरा बेबी तंग कर दे। सबा, 3 चीजें जो आप उठते साथ करती हैं।
सबसे पहले बेबी को तैयार करती हूँ, फिर मास को नाश्ता देती हूँ और फिर उसके बाद बेबी का दोबारा सूट तैयार करती हूँ। माशाल्लाह, ये आपको एक जवाब था जो आपको रटा हुआ था। तीन तरीके जिससे आप दूसरों पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। वन, खुश रहो। टू, एटीट्यूड में ना रहो। थ्री, और डाउन टू अर्थ रहो। ओके, वेरी गुड। सबा, नेम थ्री वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मास। वन, नॉटी, कूल, और हैंडसम। ओह, वेल डन, वेल डन, वेल डन। गेम खत्म हो चुकी है। और सबसे अच्छा मेरा लगा। और अगर मैं देखूं तो आपने इकट्ठी की हैं येलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो आपने 13 कैंडीज यहाँ पे इकट्ठी। ओए ये तो बहुत लंबा है, काउंटिंग कैसे करें? बहुत ज्यादा, मैं सारी डाल दी ना, आप ये देख लेना, इससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इस गेम के विनर है मान। नहीं, क्यों यार, ये देखो ना, ये गलत चीज़ यार। देखे मुझे, मैं समझ था कि पहले सेम सारे कलर डाल लें, मैंने सही है, पहले सारे सेम कलर। यस, ऐसे करना था शायद। हाँ, ऐसे करना था। हाँ हाँ, ठीक है, चलो दोबारा। नहीं ना, क्या बात, अगर उसकी खत्म हो गई तो वो क्या करे? पहले टाइम लगता है। इन्होंने बोला कि सेम सेम करना है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने बोला सेम सेम करना है, ठीक है। पहले मैंने ब्लू डाली सब में एक एक करके। अच्छा भाई, देखो बात ये है कि मेरी टीम ने मुझे बताया, मैं वैसे एक्चुअली मास के साथ अग्री करता हूँ, लेकिन टीम ने ये बताया कि असल गेम की जो समझ जो सबा को सही आई है वो ये कि आपने हर ग्लास में अलग कलर की बाउंटीज डालनी थी। बाउंटीज मैंने पहले फिर गलत कर दिया। हाँ, मैंने भी सारी ब्लू। इस नहीं तो इस गेम की विनर है सबा। सबा के लिए तालियां। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वापस आए, अपनी अपनी जगहों पे बैठें। बड़ी अच्छी गेम खेली सबा आपने यार। ये देखो बात ये है, मैं भी नहीं सही से समझा था। मैं भी नहीं समझा। लड़कियों का जो है ना दिमाग लड़कों से बहुत तेज है, तेज होता है। मानते हो आप ये बात? और मेरा सारा फोकस गेम पर था क्योंकि अलग अलग करना था। हाँ, तो इसलिए मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। लड़के हैं वो भी बस कहते हैं हाँ ठीक है सुन लिया, सही से सुनते नहीं है मत। ये भी एक लेसन है आज, हमने ये भी एक बात की, लड़कों को चाहिए कि वो सुने बात, समझें और फिर उस पर अमल करें, वो भी सिर्फ वाइफ। मैंने आपको शो में अभी यही बात बोली थी, ये सुनते नहीं बाद में पछताते हैं, यही बात। तो यही बात थी कि इन्होंने अभी नहीं सुना और अभी हार गए। आप लोग प्लीज सुना करें। और इसी तरह मुझे लगता है मेरा भी यही मसला है। इस पे बात करूं। लो जी, ये हमारा सेगमेंट है, ये बड़े बेसिक सवाल है। इस सेगमेंट का नाम है अंदर की बात। अंदर की बात। हाँ, तो मैं आप 6-7 सवाल आपसे करूंगा, 6-7 सवाल आपसे करूंगा, लेकिन बेसिक सवाल है, इसमें कोई घबराने वाली बात है, ठीक है। और क्योंकि सारी गेम्स हमने मास से शुरू किए, सब इस बार हम आपसे शुरू करें। नहीं नहीं, मास से नहीं, आपसे आज शुरू करें। आज तक जिंदगी की सबसे एक्सपेंसिव चीज आपने क्या खरीदी है? मैंने अभी तक शायद मास ने मुझे परफ्यूम गिफ्ट किया है, बस वही है। सबसे एक्सपेंसिव चीज यही है कि मास ने आपको परफ्यूम गिफ्ट किया। जी जी, सबसे जिंदगी का सबसे एक्सपेंसिव चीज। कितना महंगा परफ्यूम? नहीं, फोन है। आईफोन। आईफोन, हां ठीक है, ओके। आप दोनों में आखिरी बार लड़ाई कब हुई थी? रोज होती है। और थोड़ी देर में 5 मिनट बाद सही हो जाती है। 5 मिनट ये वाली लड़ाई, ठीक है। मास के कितने बैंक अकाउंट्स हैं? बैंक अकाउंट्स दो हैं, पता है आपको। आपके पास पावर है वो साइन वाइन करने की? को साइन करने है, को सिग्नेचर दिया, बस और सारी चीजों की पावर है, ठीक है। आपको उनकी मोबाइल की ऐप का पासवर्ड पता है? ये इशारा किया है, ये यूं क्यों किया है? ये यूं क्यों किया है कि बता दो या कि बोलो? हाँ, मतलब कोड का ना, कोड तो उसको पता है। अच्छा, बैंक की ऐप? कंफ्यूजन। नहीं नहीं, उसका बैंकिंग नहीं। ऐप का नहीं, नहीं उसका नहीं पता। नहीं बैंकिंग ऐप का नहीं पता। अकाउंट का बैलेंस पता है? हाँ। दोनों अकाउंट्स का पता है बैलेंस? नहीं, एक का पता है। दूसरे का क्यों नहीं पता? दूसरे का पता ही क्या मैंने आज तक। ज्यादा वाले का पता है या कम वाले का पता? ज्यादा वाले का। ज्यादा वाले क्या पता, जब पता ही नहीं दूसरे अकाउंट में कितने पैसे, तो उसमें ज्यादा है जिसका एटीएम उसमें ज्यादा है, दूसरे में ज्यादा है, दूसरे में ज्यादा है, जिसका कार्ड में पास होता है ना उसका पता है मुझे, उसमें कम है पैसे, जो असली पैसे वो दूसरे में। आज इस पे फोकस करना है घर जाके। अच्छा, यूट्यूबर्स में से किसकी मास के साथ नहीं बनती, या मास की किसके साथ नहीं बनती? ऐसा तो कोई भी नहीं है, मास की आज तक अभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, और मास ना ज्यादा किसी में इन होते हैं और ना लड़ाइयां होती हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी लास्ट गॉसिप कॉल किसके साथ हुई थी? मम्मा। मम्मा के साथ हुई थी, कब हुई थी? कल रात को। कल रात को हुई थी, ठीक है। मास, ओवर टू यू। आप सबा को महीने का कितना खर्चा देते हैं?
जितनी सी मर्जी, जितनी मर्जी, अनलिमिटेड, नो लिमिट, लिमिट है ही नहीं। बस ये बोल देता हूँ कि प्लीज थोड़ा सा कर लेना। ठीक है, आपने सभा को आज तक सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या लेके दी है? अभी सच्ची बता दो, आपने मोबाइल ही दिया? मैंने ही मोबाइल दिया इसको, फिर बस मोबाइल ही है सबसे। और इसने भी, तुमने बताओ तुमने जो एक्सपेंसिव चीज। हां मैंने क्या दिया, मैंने अभी मास्क को वॉश दिए, परसों ही गिफ्ट किए। ठीक है, और मैंने मास्क को आईफोन 14 प्रो गिफ्ट किया। आगे बताओ, मैं ये वो उसमें 1 TB, मतलब मुझे 6-7 लाख रुपए का फोन है भाई। वॉच भी, और वॉच भी 2.5 लाख रुपए की है। तो ये पैसे किसके? ये मेरी जो मैं खुद प्रमोशन वगैरह करती हूँ। हाँ। वो वाले पैसे उन पैसों से, हाँ, उनसे यार सभा के लिए तालियां भाई, जितने भी जमा होते हैं भाई। कंजूस अपने बारे में जब आती है ना, मैं कोई मतलब मुझे शॉपिंग का शौक है तो बोलते हैं हल्के हाथ रखना। जब तो खुली छूट दी हुई, आपको मैंने नहीं बताया क्या मैंने खुली छूट दी हुई है? मतलब मुझे और किसी चीज का शौक है यार, कुछ इस पे कंसीडर करो। एनीवे, घर में किस बात पे सबसे ज्यादा रोक टोक होती है आपके ऊपर? कोई रोक टोक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी बात पे कोई नहीं होता पेरेंट्स की तरफ से या सबा की तरफ से? नहीं, कुछ गलत करते ही नहीं है तो कैसे रोक टोक करेगा? गलत करेंगे तो वो करें तो वो राइट भी है। ठीक है, क्या 3 चीजें जो आप हर वक्त अपने साथ कैरी करते हो जहाँ पे भी जाते हो? मैं फोन, दोनों फोन, दो फोन है मेरे पास, क्योंकि एक पीटीए होता है, एक नॉन पीटीए होता है। मैं क्यों कराऊं 1.5 लाख रुपए का पीटी है? सही बात, नहीं करवाना मैंने, इतना महंगा वैसे ही मिल रहा है। सही बात है, तो एक मेरा पहले से हुआ हुआ था वो मैं लेकर घूमता हूं, और बाकी मैं कैरी क्या मतलब कैप, कैप, यस मैन, ये भूल रहा था मैं। हाँ। क्योंकि मेरा ये समझे एक तरीके से मैंने इसको बाल बना दिया अपने, मैं कहीं पर भी जाऊंगा कैप पहने मगर नहीं जाऊंगा। तो ये टेंशन नहीं होती यार कि इतनी टोपी पहन तो बाल गिरी ना जाएंगे? मैं बोलता हूँ गिर जाए, तो क्या मैं लाइफ टाइम कैप पहना, मैंने उतारना ही नहीं है, मैं क्यों उतारूँ, मेरा फैशन है मेरी मर्जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली है, लिटरली लाइफ टाइम, ये मतलब है कि टोपी पहन के रखनी है। हाँ, पक्की पक्की। सूट वूट पहन के शादी पे जाते हो तब भी टोपी पहन के? मैं पहना, मैंने बहुत बार पहनी है सूट। और रमजान में दूसरी वाली होती है वो, जो रमजान में टोपी पहनता हूँ लाइक अभी, क्यों मतलब एक मेरे सर को मुझे चाहिए बस, कि मतलब आदत सी, जैसे आपके जैसे मोबाइल अकबर दो, अब आप दोनों कैरी कर रहे हो तो वो क्यों दोनों कैरी कर रहे हो, छोड़ दो भाई। कितनी टोपियाँ आपके पास? मेरे पास कितनी है बताओ, 20-30 टोपियाँ मेरे पास। भाई आपने अगर किसी को टोपी पहनानी हो तो मास्क अंदर से रापता करें। आपको मास्क की आदत कैसी लगती? सॉरी मैं थोड़ा डायग्रेस कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, मुझे आप कह दी नहीं उतार दो टोपी भाई। मैं बोलती हूं कि हम किसी दिन व्लॉग करेंगे जिसमें आप 24 आवर्स कैप नहीं पहनोगे, मतलब मेरा बस नहीं चलता, मैं मास्क की कैप जला। मुझे बोलते हैं मम्मा घर पे भी पहन के रखते हैं। घर में ये होता है कि जब बैठते हैं ना फोन यूज कर रहे होते हैं तो कभी कभार तो मैं खुद उतारती हूँ कि मास्क अभी आप बैठे हैं। मुझे फील ही नहीं होता, अभी मैं भूल गया था, आपने इसने बताया मुझे तो मुझे याद आया। हम ऐसी क्या चीज कर सकते हैं, आपको क्या दे सकते हैं कि आज आप अभी इस शो में ये टोपी उतार दें? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, दुनिया की कोई चीज, कोई ताकत ऐसी, मैं वो खुद, मैं खुद कर लूंगा चीफ कैप के साथ ही, लेकिन मुझे अभी। बल्कि लोग बोलते भी हैं कि ये फैशन या आप शादी में जा रहे हो सूट के साथ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी पहचान बन गई। देखिए मैंने अगर 1 करोड़ रुपया मिले फिर भी नहीं उतारोगे? 1 करोड़ में मिलेगा मैं नहीं उतारूंगा, सॉरी 1 करोड़ में भी नहीं उतारोगे? नहीं उतारूंगा। टोपी नहीं उतारोगे? नहीं उतारूंगा। 1 करोड़ बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं, मैं नहीं उतारूंगा। मेरी टीम बड़ी एफिशिएंट है, वो लाके रख देगी करोड़। मैं नहीं उतारूंगा, मुझसे बाद में पूछता जो कहाँ मिला तुम्हें 1 करोड़ उतार के मिल गए, इसको दे ये उतरवा देगी वो अलग है। ठीक है भाई, ये जो यूट्यूब की आपकी फैमिली है, आप किसकी शादी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? यूट्यूब की फैमिली में, यूट्यूब यूट्यूबर्स जो यूट्यूब कम्युनिटी है, वो सारों की शादियां नहीं हुई ना अभी, तो किसकी ऐसा है जिसकी शादी के लिए आप एक्साइटेड हैं, यार इसकी शादी हो जाए तो मजा आएगा यार? यार बस अब एक भाई रह गया है छोटा वाला मेरा, तो वो यूट्यूब पे भी आएगा। यूट्यूबर्स नहीं, बाहर के यूट्यूबर्स, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब की कम्युनिटी है, मेरा तो कोई ध्यान नहीं है उसके ऊपर, मेरा तो कोई ध्यान नहीं, इंटरेस्ट नहीं उस चीज पे। मैं बोलता हूँ कि बस वो अच्छा काम करे तो बस वही सही है, शादी का मैं क्या करूँगा उसकी। ठीक है, आपको सभा की एक बात जो बिल्कुल भी पसंद नहीं? सभा की बात ये पसंद नहीं है मुझे कि सभा जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे कि अभी आप पूछ रहे से कुछ ये फर बता देगी आपको, इससे सब्र नहीं है, बस सब्र नहीं है इसमें, बाकी सब कुछ। आपको मास की एक बात जो ना पसंद है? बस यही कि ये बात सुनते नहीं है, कैब बोलो। हाँ, तो वही वाली बात है बस। आपको जो सभा की एक बात बहुत पसंद है? मुझसे बहुत प्यार करती है। क्यूट। आपको मास्क की एक बात जो बहुत पसंद है?
मतलब जिस तरह मैंने सोचा था कि माज मतलब मेरी शादी के बाद केयर करेंगे, पर माज बहुत 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 अच्छे हैं, मतलब बहुत ख्याल रखते हैं हर चीज़ में, बहुत ख्याल रखते हैं। तालियां यार, इसी बात पे हम ये अपना सेगमेंट इख्तिताम करेंगे और इसी खुशी के नोट पे हम अपना शो भी इख्तिताम करेंगे। थैंक यू सो मच माज, थैंक यू सो मच सभा, आप हमारे शो पे आए, इतना मजा आया, इतनी चीजें सीखने को मिली, इतनी चीजें पता चली आज। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जिंदगी में कभी भी आपको हमारी किसी भी तौर पे जरूरत हो, ऑलवेज देयर फॉर यू, हमेशा आपका कोशिश करेंगे जिस तरह भी हुआ साथ दें। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ आए जाते जाते, और जाने से पहले जी माज बड़ा जरूरी है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा और हमारे शो में भी बात हुई कि जो यूथ देख रही है आपको, मैं चाहता हूँ कि हम अपने ये जो यंग स्टार्स हैं, और माज एक स्टार हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज माज के YouTube चैनल पे हैं, और ये सिर्फ 2 साल में आपने अचीव किया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है 2 साल में इतने व्यूज अचीव करना, जब क्योंकि हम YouTube के ऊपर ड्रामों को रिव्यू करते हैं, ड्रामों की बात भी करते हैं, जब एक ड्रामे के ऊपर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज आते हैं तो वो बहुत बड़ा माइलस्टोन कंसिडर किया जाता है, उसके बारे में बहुत बात होती है। बल्कि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तानी कंटेंट की कितनी ऑडियंस है पूरी दुनिया में। यहाँ पे ये नौजवान लड़का खड़ा हुआ है यार, जिसके इकलौते के अपने चैनल के ऊपर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, तो आप ये सोचें कि पाकिस्तानी कंटेंट की, पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स की पूरी दुनिया में कितनी एक फॉलोइंग है, कितनी बड़ी मार्केट है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। सो जरूरी नहीं है कि अगर आपके बच्चे फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका गलत ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसे माज ने यूट्यूब को एक टूल बनाकर बहुत कामयाबी हासिल की, और ये नहीं कि अपने आप को यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 23 साल की उम्र में एक रिजॉर्ट ला के खड़ा कर दिया, इतने सारे और बिजनेसेस के बारे में सोच रहे हैं और बिजनेस वेंचर्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो इस बात पे हमें माज को जरूर सेलिब्रेट भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और ये दुआ करनी चाहिए कि माज जैसे और लड़के लड़कियां सामने आए और इसी तरह मेहनत से काम करें। तो आप क्या मशवरा देना चाहोगे बच्चों को कि वो सीखें? देखिए, बहुत बच्चे हैं जो कि रोज कुछ ना कुछ सोचते हैं, जैसे कि जब मैं 19 का था तो मैं रोज रात को कुछ सोचता था, ठीक है, मैं सोचता था कि सुबह उठूंगा तो मैं ये करूंगा, लेकिन मैं कर नहीं पाता था। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मुझे डर रहता था कि यार मैं ये करूंगा तो इसके बाद क्या होगा। तो कि वो एज आपकी ऐसी होती है कि आपको डर बहुत लगता है, और वो डर जो है वो मेरा ख़त्म हुआ 2 साल बाद। पहले मैं कोई भी ना मतलब के अपने ऊपर बिलीव नहीं था मेरा, पहले 2 साल पहले, मतलब मैं अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसके लिए 100 बार सोचता था। अब इस एज में मैं क्या करता हूँ, इस एज में मैं सोचता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहिए जिद बना ली, चाहिए तो मैं कर लूँगा। तो आप जिस एज में अभी हो, लाइक आप 19 के हो, 20 के हो, 21 के हो, 22 के हो, अभी मेरी एज के हो, तो सोचना नहीं है, काम करना, किसी एक की नहीं सुननी, बस अपने माँ बाप की सुननी है, उसके अलावा किसी की भी नहीं सुननी, और लग के काम करना है और इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। अगर सुन ली किसी की तो मैं अभी बता रहा हूँ नहीं होगे कामयाब, तो मत सुनना। बहुत अच्छी बात है। आप सभा क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने जो शादी के टॉपिक पे बात की तो लोगों को लगेगा कि हमने शादी कर ली और अब हम लोग उनको रोक रहे हैं। अगर आप लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आप पहले फ्यूचर बनाएं फिर शादी करें, क्योंकि शादी तो आपकी कभी भी हो सकती है, तो आप पहले अपने फ्यूचर पे फोकस करें फिर शादी करें। और हम लोग बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ना कोई लड़ाई होती है और हम शादी के बाद बहुत खुश हैं, और अगर आप लोग कर सकते हैं दोनों चीज़ें एक साथ तो फिर आप कर लें। आपके ऐसे कोई गोल्स हैं जो रह गए हैं? नहीं, ऐसे गोल्स नहीं। कुछ गोल्स तो मेरे ऐसे थे जो मैंने सोचे भी नहीं थे और मेरी शादी के बाद पूरे हुए हैं। मतलब मैं कभी बाहर नहीं गई थी, इंटरनेशनल ट्रिप कभी नहीं किया था, मैं मास के साथ गई हूँ हर जगह। हाँ, मैं यहाँ तक जहाज में भी नहीं बैठी, मतलब मास के साथ बैठी हूँ। बल्कि मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा, माज आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा, आपने उसमें कहा कि आप के ऊपर एक ये वक्त था कि आप मैकडॉनल्ड्स का एक बर्गर भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ये बात सच है? सच है, सच है। तो आपके लिए पहली बार जब आप सभा को कहीं पे लेके गए और आपने रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, हम लोग कुछ नहीं खाते थे, हम बस मिलते थे, हम सिर्फ मिलते थे वापसी घर घर, सिर्फ फ्राइज खा के वापस आते थे, कुछ पैसे नहीं, फ्राइज भी नहीं खाते थे कभी कभार, बस घर जाके खाते थे, मिलते थे एक दूसरे को। वो उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, और अब दौर इतना चेंज है, इतनी इन्फ्लेशन हो गई है, तो ये बेचारे कैसे कर रहे होंगे। मुझे इन पे थोड़ा सा वो होता है अफसोस कि इनको चाहिए कि नहीं करें, अपने ऊपर मेहनत करें, अपने आप को बनाए और फिर जो भी करना करो। अगर माज और सभा फ्रॉम अ टाइम जहाँ पे ये लोग बर्गर नहीं अफोर्ड कर सकते थे और मिलने के लिए सभा चिंची पे आती थी और माज बाइक पे जाते थे, आज माशाल्लाह इस मुकाम पे हैं जहाँ पे माज ने
23 साल की उम्र के अंदर अंदर विदिन 23 इयर्स ऑफ एज और पिछले दो सालों के अंदर अंदर इतनी तरक्की कर ली है कि बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, रिजॉर्ट है, रेस्टोरेंट है, परफ्यूम्स का बिजनेस है, अगर मास कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑन दैट नोट अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी आपके एक और फेवरेट गेस्ट के साथ, तब तक खुदा हाफिज़। थैंक यू।